शैतवानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ईद के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं आपकी मेज़बान यसरा ख़ान एक मरतबा फिर हाजिर ख़िदमत। नाज़रीन, आज यहाँ ईद का तीसरा दिन बनाया जा रहा है। दुनिया भर के मुसलमान खुशी और मुसर्रत के साथ परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हुए अपने प्यारों के साथ ये प्यारा त्यौहार, ये प्यारा मौका और तोहफ़ा, ये इनाम इंजॉय कर रहे हैं। नाज़रीन, ये प्यारा तोहफ़ा, ये प्यारा इनाम जहाँ हमें हर मरतबा हर साल उसी प्यारे जज्बे की याद दिलाता है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ही के एक प्यारे नबी, अल्लाह के बहुत प्यारे बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी सबसे अजीज़ शय, उनके सबसे कीमती शय की कुर्बानी मांगी गई और आपने अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म पर लबैक की सदा बुलंद की और आपके लिए तमाम आलम में जो सबसे चहेती चीज़ यानी आपके अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, आपने अल्लाह के हुक्म पर उनकी कुर्बानी पेश करने से भी दरेग ना किया। नाज़रीन, ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात है और यकीनन अगर हम बात करें दूसरी जानिब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनके जज्बे की, उनके सब्र की, तो माशाल्लाह वो प्यारे फर्जन, वो आपके बेटे, आप भी यही फरमाते हैं कि बाबा जान अल्लाह का हुक्म है तो आप कुर्बान फरमाइए, अदा कीजिए, हुक्म पर लब्बैक कहिए, मुझे साबिर और इस्तकामत के साथ वहीं पाएंगे। ये प्यारा जज्बा नाज़रीनी सारों कुर्बानी का हर साल ईद कुर्बा के मौके पर हम दोहराते हैं, AIYQ TV की स्क्रीन से बार बार आपको बताते हैं और मकसद यही कि कहीं भी सेलिब्रेशंस में और तैयारियों में, सजावट में, मेहमान नवाजी में हम भूल ना जाएँ कि दरअसल कुर्बानी का फ़लसफ़ा है क्या, ये किस वाक़े की याद दिला रहा है। तो हर मरतबा हम कोशिश करते हैं ये प्यारी बातें ज़रूर आप तक पहुँचाएँ। और जहाँ बात है नाज़रीन ईद कुर्बा की, तो AIYQ TV की खुसूसी ट्रांसमिशंस आप देख रहे हैं जो सुबह से लेकर रात तक आपकी अपनी स्क्रीन पर सजाई जा रही हैं और इसका ख़ास सिलसिला, इसकी ख़ास कड़ी हमारा प्रोग्राम भी है जो आप तीनों दिन यानी कि पहले दिन, दूसरे दिन और अब ईद के तीसरे दिन भी देख रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज भी नाज़रीन इंशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात होगी, होगा खाना पीना। अब फॉर्मेट तो आपको याद हो ही गया होगा नाज़रीन कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान होते हैं, उनसे बहुत सारी बातें होती हैं और होती है रोज़ाना आपके लिए लाइव कुकिंग और खाना भी पक रहा होता है और खाने की बातें भी हो रही होती हैं। तो आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब, उन्हें खुश आमदेद कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं और ईद के तीसरे दिन मुझे किन मेहमानों ने ज्वाइन किया है आइए आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, पहली मेहमान जो माशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इनके हवाले के लिए ये कहना बहुत प्यारी बात होगी कि मेरे लिए एक ऐसी उस्ताद है कि जब भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाती हैं, कोई भी गलती हो फौरी तौर पर मोहब्बत के साथ तशरीफ़ फरमाती हैं और न सिर्फ मेरी या हमारी टीम की बल्कि AIYQ TV की स्क्रीन से देखने वाले लाखों करोड़ों हमारे व्यूवर्स, हमारे नाज़रीन तक दीन की प्यारी बातें पहुँचाती हैं और यकीनन हर बात का आगाज़ एक मुस्तनद हवाले के साथ जो कि कुरान पाक की कोई खूबसूरत आयत उसकी तिलावत के साथ या अहादीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे इरशादात की रोशनी में फरमाती है। तो आज आपकी मौजूदगी से हम ज़रूर मुस्तफीद होंगे और साथ साथ जानेंगे आपकी ईद का हवाल भी। तो आइए खुश आमदेद कहें, हमारे साथ मौजूद हैं आपकी बहुत ही पसंदीदा, आपकी हर दिल अजीज़ मेहमान, इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खातवी साहिबा। अस्सलाम अलैकुम, ईद मुबारक आपको भी, बहुत ईद आपको बहुत बहुत ईद कुर्बान, बड़ी ईद, बकरीद मुबारक हो। नाज़रीन, इम्तियाज़ जावेद खातवी साहिबा हमारे साथ मौजूद है तो इंशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी दीन की बातें भी आप तक पहुँचाएँगे और साथ साथ जानेंगे इनकी ईद के बारे में भी बहुत कुछ। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी हमसे हमारे फेसबुक पेज या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.AIYQ TV पर पूछ सकेंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरी मेहमान की जानिब। नाज़रीन, एक ऐसा प्यारा चेहरा, एक ऐसी प्यारी स्कॉलर जो AIYQ TV पर मेरे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शामिल होती रहीं, आप इनको देखते रहे और यकीनन जब जब ये प्रोग्राम में आती हैं मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू करती हैं। अगर बात की जाए कि किस शोबे
से वाबस्ता हैं, तो शोभा वही हसीन वही खूबसूरत के जो प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, जो कि यकीनन मौलम इंसानियत के तौर पर इस दुनिया में पहुँचाए गए, आपने हमें सिखाया, बताया, समझाया अमल के ज़रिए, और बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश और इसी जद्दोजहद के साथ कि जो भी अच्छी बात पहुँचाई जाए वो लोगों के दिल में उतर जाए। हमारे साथ मौजूद रहती हैं आपकी बहुत जानी पहचानी स्कॉलर है, और आज अकेले तशरीफ फरमा नहीं है बल्कि आपके साथ एक और मेहमान भी है जो यहाँ आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। तो आइए खुश आम देते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इरम जिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इरम जिया साहिबा के साथ आपकी प्यारी सी छोटी सी साहबजादी, जिनको मैं कहूँगी खड़े हो जाए जनाब, बहुत शुक्रिया। ये नाजीन इरम जिया साहिबा की प्यारी सी साहबजादी और नाम है इनका सजल। आपको भी ईद मुबारक, क्या बात है, बैठ जाए। नाजरीन ये हमारे दोनों मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात हो चुकी, बढ़ रही अपनी तीसरी मेहमान की जाने। माशाल्लाह AIYQ TV के उस ख़ास फैमिली का हिस्सा होना और उन ख़ास लोगों का हिस्सा होना कि जो अपनी प्यारी आवाज़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए वक्फ़ करें और जो खूबसूरत अंदाज़ में प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी करें, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है, क्योंकि यकीनन सनाख्वान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर में ये इश्क की इतनी खूबसूरत शमा जलाए हुए हैं, रोशन किए हुए हैं कि जब जब नात सुनते हैं, जब जब इनकी प्यारी मीठी आवाज़ में दुरूद और सलाम के नजराने सुने जाते हैं तो दिल खुद ब खुद दुरूद के नजराने पेश करता है। तो इसी जज्बे के साथ AIYQ TV के साथ कई सालों से माशाल्लाह वाबस्ता, कई सालों से हमारे साथ मौजूद आपकी बहुत ही जानी पहचानी सनाख्वा, और साथ साथ दूसरा हवाला इनका बहैसियत मेज़बान भी एक खूबसूरत प्रोग्राम AIYQ TV पर पेश कर रही हैं। आप इनको सुनते हैं, देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, जहां आपकी मुलाकात होती है ना सिर्फ इनसे बल्कि बहुत सारे मुख्तलिफ सनाख्वानों से और स्कॉलर्स से भी। आइए खुश आमदीद कहें, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सहर आज़म साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिंकू पिंकू खुश आमदीद, ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है नाजीन, ये मेरे तीनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं जिनको मैं खुश आमदेद कह चुकी हूँ। इन तीनों से बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन इससे कबल थोड़ी सी मुँह मीठा कराया जाए। किसी को चीनी शक्कर मीठे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चले जी, जबरदस्त, ये पूछना जरूरी है भाई आजकल। दूसरा मुझे मैं ये कहना चाहूंगी कि बकरा ईद के मौके पे आपने हमें इनवाइट किया है जी, तो आप टिक्के पेश करें। हाँ बिल्कुल, टिक्के पेश करें, वो थोड़ा सरप्राइज है, बताते हैं। वैसे आपके सामने सब खुला है, क्या बात है, टिक्के मेरे सामने अभी तक नहीं है। बहुत सारे बच्चे इतना से नहीं लेते, पूरा उठाते हैं, पूरा थोड़ा सा और पक्का। चले साहबा, अच्छा मैं बढ़ूंगी नाजरीन अब मुँह मीठा कराते हुए अपने मेहमानों का दूसरी जानिब, जहां मेरे साथ ईद के दोनों दिन आपकी बहुत जानी पहचानी शेफ मौजूद रही, आज भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम सीखेंगे आज भी कोई ना कोई नई रेसिपी। व्हाट इज़ इट, क्या सिखाएंगी, क्या रेसिपी, क्या इंग्रेडिएंट्स है उनके जाने जाएंगे तभी मालूम होगा। ये बढ़ते हैं शेफ समीना की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज तो मैं मिठाई साथ ही ले आई हूँ, और मुँह मीठा कीजिए जनाब। और अस्सलाम वालेकुम आप तमाम लोगों को भी, और बहुत बहुत ईद मुबारक भी। ये रस्म की अदायगी हो गई। नाजीन आप भी अपने आने वाले मेहमानों का मुंह मीठा करवाइए, उनको खुश आमदेद कहें। आज ईद का तीसरा दिन, आखिरी दिन है, ईद रुख्सत होने वाली है, भरपूर अंदाज में एंजॉय कीजिए। लेकिन होता क्या है, ईद तीसरा दिन वैसे तो खत्म हो गया, यानी ऑफिस स्कूल का वो सिस्टम शुरू हो गया, लेकिन बारबेक्यू मैंने देखा है, बारबेक्यू और हलीम उसके बाद ज्यादा एहतमाम, उसके बाद ज्यादा एहतमाम होता है, यानी इसके बाद हर वीकेंड पे आप देखेंगे किसी छत से आपको धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा, और फिर वो आपको मोटिवेट करता है। ईद की मसरूफियां जाहिर खत्म हो जाती है, वो कुर्बानी के सारे सिलसिले और वो गोश्त बांटने सारा फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अब गोश्त फरागत वाला टाइम टिक्के टिक्के है। आज क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे, अच्छा आज हम बहुत आसान सी आपको रेसिपी बताएंगे, टिक्के वगैरह भी आप बहुत बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक नौरतन कीमा बनाना सिखाऊंगी। अरे वाह, नौरतन, नौरतन कीमा बहुत जबरदस्त है, और इसके अलावा हम बनाएंगे फ्राई गोश्त मसाला। ओके, गोश्त मसाला। अच्छा इसमें होता है ना कि कुछ घरों में जैसे कि जानवर डिफरेंट डिफरेंट हो रहे होते हैं, तो उसमें जैसे किसी के बकरे का अगर गोश्त हो रहा है तो आप बकरे के गोश्त से भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि बकरे के गोश्त में बोनलेस कम होता है तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करें, हम यहाँ पे बीफ यूज करें। ठीक है ना, इसमें भी हमने बीफ यूज किया। अच्छा यहाँ पर मेरे पास कीमा है, कीमा साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, मेरे पास मैं इसको यहाँ डालूँ ताकि कैमरा आसानी के साथ देख सके। जबरदस्त,
ये इसका इंग्रेडिएंट नहीं है तो ये मैं यहाँ पहुँचा देती हूँ। नाजरीन इंतजार करेंगे नौरतन में हरा हरा रतन कब जाएगा। अच्छा ये कीमा है मेरे पास, ये तकरीबन 750 ग्राम, यानी ठीक है अगर आप एक किलो का हिसाब रखें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है ठीक है, ये हमने शामिल किया 1.5 टेबल स्पून। जबरदस्त, कुर्बानी का गोश्त या वैसे भी गोश्त आप बनाते हैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो आपको बताया बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पहले दिन से बता रहे हैं। जी बिल्कुल बता रहे हैं, इससे क्या होगा गोश्त की जो गर्मी होती है हिद्दत होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे दही, दही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3/4 कप के करीब हम इसमें दही शामिल करेंगे। ये चला गया इसमें। अच्छा समीना पाई ऐसे भी होता है, अक्सर लोग कहते हैं खट्टा दही मीठा दही, तो उससे फर्क पड़ता है टेस्ट में, पहले चेक करके लें। नहीं देखिए खट्टा को इतना खट्टा नहीं होगा कि आपको लगे कि आपने चाट मसाला डाल दिया, खट्टा होता है लेकिन खट्टा दही कुछ कुछ चीजों के लिए अच्छा रहता है, जैसे इसमें अगर थोड़ा सा खट्टा डालें तो टेस्ट ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कड़ी जैसे हम बनाते हैं तो कड़ी में थोड़ा सा खट्टा, हाँ ढूंढते हैं कि भाई खट्टा दही मिल जाए तो उससे बनाए, तो कुछ कुछ चीजों में अच्छा रहता है। मीठा दही उस वक्त अच्छा रहता है जब आप रायता बनाए, सही रायता बना रहे हैं और अब आपने बिरयानी के साथ बनाया है रायता, तो उसका दही जो है वो मीठा होना मीठा चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि जब हम रायता उसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें खटास अगर होगी तो वो जो आपकी बिरयानी है उसका मजा खराब हो जाए। सही सही सही। अच्छा इसके अलावा हम डालेंगे नमक, नमक। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, चूंकि हमारे प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता तो यहाँ पर पहले ही मैंने 1 टेबल स्पून मैंने कच्ची पाउडर डाला है। अच्छा। आपने कच्चा पपीते का इस्तेमाल नहीं करना, कच्ची पाउडर से सॉफ्टनेस जरूर आएगी बट जैसे पपीते में से होता है कि बहुत ही ज्यादा गल जाता है वो नहीं होगा। ठीक है 1 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून नमक मैं डाल चुकी हूँ तो मजीद में 1/2 टीस्पून और उसमें शामिल करूंगी, बाद में देख लेंगे अगर कम होगा। इसके अलावा ये तली हुई प्याज है, फ्राई की हुई प्याज है, इसको हमने कूट लिया है, ठीक है ये बड़े साइज की 1 या मीडियम साइज की 2 आप ले लीजिएगा। ये इसके अंदर जाएंगी पिसा हुआ गरम मसाला, वाह वाह, तकरीबन 1.5 टीस्पून भर के, कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून सही भर के। अच्छा इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, अभी डाल रही हूँ तमाम चीजें आप ये चेक करें, ठीक 1 टीस्पून कसूरी मेथी चली गई इसके अंदर, सही इसको हाथ से क्रश कर लीजिएगा। ओके ये चली गई, चाट का मसाला जाएगा इसके अंदर, अब आप सोचिए कि चाट का मसाला जाएगा, चाट का मसाला 1 टीस्पून, सारी चीजें एक साथ चली जाएंगी, सही। और ऑयल डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1/2 कप ऑयल, ऑयल ये घी जो भी आप पसंद करते हैं, सही। लेकिन ये चीजें मैं आपको बताऊं कि घी से या ज्यादा अच्छी बनती है, अच्छा। घी या मक्खन से, ठीक है। इसके अलावा मक्खन का हम इस्तेमाल करेंगे तो आधा मक्खन हम अभी इस्तेमाल करेंगे, ओके। तकरीबन बड़ा रिच ये बनेगा लेकिन इसको आपने थोड़ा थोड़ा खाना है, 2 टेबल स्पून मक्खन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा इसके अलावा एक जो बड़ी जबरदस्त इसमें चीज जा रही है वो है मगज, ओके ठीक है ना, मगज आप ले लीजिए, मगज को बॉईल करके आप रख लीजिए, जब ये पक जाएगा उसके बाद हम इसमें मगज ऐड करेंगे, हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, चीज ऐड करेंगे और इसमें हल्का सा कोयले का धुआं लगाएं, बहुत ही डिफरेंट सा कीमा बनेगा आपका। अगर कोई दाल बना लेते हैं माश की दाल जैसे बहुत अच्छी रहती है, कोई सब्जी बना लीजिए, जरूरी नहीं है कि बकरीद का अगर जमाना है तो आपने गोश्त कोई सब्जी और दाल की भी कोई अच्छी चीज आपको बनाना है, ठीक है ना, ठीक इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, मिक्स करके रख दूंगी, फिर थोड़ी देर के बाद एज इट इज हम इसको चढ़ाएंगे, ठीक है, और पकने के लिए रख, फिर इसमें ऑयल की भी जरूरत नहीं, ऑयल की जरूरत नहीं, इसमें मैंने पानी भी नहीं शामिल, ठीक है, दही के पानी में और गोश्त के पानी में अच्छा सा ये गल जाए, जबरदस्त क्या बात है। ये हो गया, ये तो हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट तैयार हो गई, ठीक है, आखिर में जब हम करेंगे हम बता देंगे आपको। ओके ओके। दूसरी रेसिपी हमारी हम जो बना रहे हैं फ्राई बीफ मसाला, उसके लिए हमने लिया है बीफ, लिया है हमने तकरीबन 1 किलो बीफ था, ठीक है, और इसको हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया, ओके। बॉईल करने के बाद आप ये देख रहे हो थोड़ा श्रेड कर लिया बोटी को, ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा, बहुत बारीक नहीं लेकिन आपने मोटा मोटा इसको श्रेड कर लेना है। अगर आप इसको चिकन से भी बनाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। इसको आप मटन से बनाइए जिससे भी आप दिल चाहे इसको बनाए। नमक डाल के इसको बॉईल किया, थोड़ा सा हमने श्रेड कर लिया, अब हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। मसाले में हमें प्याज है, टमाटर, वही अदरक लहसुन, नॉर्मल मसाले, लेकिन चाट का मसाला इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, और इसको हमने इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सा ये हो जाए, ओके ठीक है ना, और एंड में हम इसको जो है प्याज के रिंग और साथ ही हम इसके बाद बॉइल्ड एग के साथ इसको हम सर्व करेंगे। वाह वाह, यानी सर्विंग भी देखने वाली होगी, हाँ, ये मजेदार सी होती है, बड़ी एक कंप्लीट डिश है। देखिए टिक्के भी हम खाते हैं, कढ़ाइयां भी हम बनाते हैं, ये बनाएगा आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, सही है, ठीक है, जबरदस्त। नाजीन शेफ समीना अपनी आज की दोनों रेसिपीज आपको बता चुकी है और एक ड्रिंक भी बनेगी, हाँ बिल्कुल एक ड्रिंक भी बनेगी, ईद के दोनों दिन आपको एक ड्रिंक भी सिखाई गई, आज भी सिखाएंगे, दोनों रेसिपीज आपको बताई जा चुकी है। अगर आज बनाने का इरादा रखते हैं तो आप तमाम अज्जा इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करना शुरू कीजिए, बनाने का आगाज कीजिए ताकि प्रोग्राम के दौरान भी शेफ समीना के हाथों की हरकत के साथ साथ आपको टिप्स मिलती रहे हाउ टू डू इट। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं मौजूद होंगे अपने गेस्ट के साथ, मेहमानों से होंगे
करूंगी गपशप, लेकिन ब्रेक के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा कुर्बानी। हज़रत बकिया रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा कुर्बानी वो है जो ज़्यादा महंगी और फरबा हो। नाज़रीन, आप सभी को एक मरतबा फिर खैर मकदम कहती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में। आज ईद का तीसरा दिन देखने वाले तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी मेज़बान यसरा खान ईद के दोनों दिन यानी पहले और दूसरे दिन भी यहाँ मौजूद रही, साथ साथ शेफ़ समीना, बहुत सारे मज़ेदार डिशेस आपसे हमने शेयर की हैं। आज भी दो रेसिपीज़ बन रही हैं ईद कुर्बा के स्पेशल प्रोग्राम के सेट पर, और साथ साथ मौजूद हैं हमारे कुछ बहुत ख़ास मेहमान। आइए बढ़ते हैं इनकी जानिब और जानते हैं कि ये ईद कैसे मना रहे हैं। जी, अब मैं यहाँ आ गई हूँ और आज की दोनों ही रेसिपीज हम बता चुके हैं। खाने पीने का कहते हैं सबके, बड़ी ईद तो खाने पीने का त्यौहार है। इवन के कोई बच्चा अगर जाते हैं ना ईदी मांगने के, मामू ईदी दे दें तो कहते हैं एक मिनट रुको, और डीप फ्रीजर से ना एक गोश्त की थैली ला कर देते हैं, कहते हैं लो ईदी। तो इवन ऐसा ये त्यौहार है। तो इम्तियाज़ भाजी, आपसे हम आगाज़ करेंगे, इससे कबल के हम दुनियावी बातों में और अपनी ईदों के हवाले से बात करें, आप बताइए कि हमें ईद दरअसल कैसे गुजारनी चाहिए। दो दिन गुजर गए या आखिरी दिन है जो बकिया दिन है ना, ताकि उसमें कुछ हम अपने अंदाज को बेहतर बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व मख्याया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, जैसे आप भी शुरू में बता रहे थे यसरा कि उस ईद की रूह क्या है, सही, हम इस पर तो खसूसी तौर पर कुर्बानी दे रहे होते हैं, तो जब तक हम कुर्बानी की रूह को ना समझें तो हमने हक अदा नहीं किया। तो वो रूह क्या है कि हमारा जीना मरना उठना बैठना चलना फिरना सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए, कि हमें हर लम्हा ये पेशे नज़र रहे कि मेरा रब कैसे राज़ी होगा, तो हम उस मंजिल को पा सकें। जब आपका जेन और फिक्र इस सोच में लगी होगी ना, तो मैं मेरा ईमान है कि आपको रहनुमाई मिलती चली जाएगी कि अब आपको ये करना चाहिए। हम हमेशा अपनी ज़ात के लिए करते हैं, तो आपने जब ईद के दिनों के लिए भी सोच लिया, आपने कहा कि ईद के दिन कैसे गुजारने हैं, तो आप तलाश करने निकले ना अल्लाह की रजा को। आप बाजार से चीज़ों की तलाश में निकलते हैं, आप ये सोच बांध ले कि मुझे अल्लाह को राजी करना है, तो कुर्बानी भी आप दे रहे हैं। जिन्होंने दी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कबूल फरमाए, बहुत अच्छा अमल है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई पसंदीदा अमल है ही नहीं अल्लाह की बारगाह। तो मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया है। अब मजीद आगे बढ़ें, अब अल्लाह की रजा को तलाश आपने कैसे करना है, रिश्तेदारों से मिले मिलाएं, खुशी का दिन मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। एक वो कहते हैं ना कि खुश रहो और खुश रखो, तो ये बड़ा इस्लामी असूल है। आपने नहीं कहा खुश रहो, खुश रहने दो, आजकल तो रहने दो वाला ज्यादा हो गया। बेशक ऐसा बड़ा एस्पेक्ट है कि रहने दो, रहने दो, की जिंदगियों को परेशान मत करो। सही, यकीन इम्तियाज़ भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और अक्सर लोग नहीं समझते कि ईद का असल मायने क्या है, और इसी में वो सेलिब्रेशन तो होती है लेकिन कुछ खाली खालीपन तिश्नगी रह जाती है, और पाते वही है जो जस्तजू में लग जाए, जैसी बात इम्तियाज़ भाई ने की। अच्छा इरम जिया साहिबा, पहला दिन दूसरा दिन दोनों आप मसरूफ रहे, आज तीसरे दिन आपने बोला चलें आप ले लें 20-40 मिनट, क्या याद करेंगे, तो कैसे गुजरे बकिया दो दिन आपके? यसरा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे, हर साल की तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक के सदक़े में ये दिन भी बहुत अच्छे गुजारे, और मैं ये समझती हूँ कि मैं जिस घर का पहले भी हिस्सा थी और अब हिस्सा हूँ, तो यहाँ पे भी ईद को ईद की ही तरह से मनाया जाता है, और ये चीज़ अब हमारे माशरे में बहुत कम हो गई है। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे मैके में भी और ससुराल में भी
ईद ईद ही है कि नमाज के बाद उसी तरह से मिलना है, जुलना है, बच्चे माशाल्लाह सारे, और सबसे बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग ये है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह मेरा घर बहुत भरा पूरा है और बहुत उसी तरह से मेहमान आते हैं। ख्वातीन की मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस मसरूफियत में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप जिनके लिए कर रहे होते हैं जब आपके घर आते हैं खुश होते हैं तो आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। यकीनन, यकीनन। तो और कुछ खाना पकाने का शौक़ मुझे है, तो बल्कि मैं ये डिशेस भी देख रही थी, और आज तो खैर मेरी अम्मा के घर दावत होती है तो मगर इंशाल्लाह कल परसों ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़बरदस्त, क्या तो बहुत अच्छा लगता। फिर ये कि हम अपने बच्चों को यही कम्युनिकेट करते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे बच्चे वो हम फॉलो करते हैं, सीख रहे हैं। और बिल्कुल जैसे अभी इम्तियाज़ आपा ने बात की या तुमने की थी, तो इन तमाम चीज़ों के साथ हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम ये कुर्बानी कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखो सूरह सफ़ात में ही है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो उन्होंने सआदतमंद बेटे की दुआ की, अल्लाह ने बेटा भी सआदतमंद दिया। क्या बात है। और मांगा भी किस वक्त कि जब वो दौड़ने लगा, चलने लगा। तो वो कहते हैं ना, बच्चा जैसे जैसे किलकारियाँ मारने लगता है, चलने फिरने लगता है, आपकी मोहब्बत बढ़ने लगती है। तो देखो इम्तिहान भी किस वक्त ले रहे हैं कि जब वो मोहब्बत बढ़ गई, परवान चढ़ गई, उस वक्त वो ख्वाब दिखाई दिया, फिर वो बेटे से पूछा, ख्वाब बयान किया, तो वहाँ सआदतमंद औलाद थी तो उसने सआदतमंदी का सबूत दिया कि आप अल्लाह के फ़र्ज़ को पूरा कीजिए। और फिर उन्होंने अल्लाह के फ़र्ज़ को पूरा किया, अपने बेटे को लिटाया, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से गैब से आवाज़ आई कुर्बानी को। मतलब ये देखो कि आज मैं चाहती हूँ काश हमारी औलाद इसी तरह सआदतमंद हो और इसी तरह अपने वालिदैन की बात को, मतलब ईद कुर्बान से हमें सबसे ज़्यादा जो सबक मिलता है वो ये कि अल्लाह के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो, और औलाद को ये सबक मिलता है कि वो अपने माँ बाप की बात पे लबैक कहे। आहा, क्या बात है, ज़बरदस्त। नाज़रीन, इरमज़िया साहिबा को आप सुन रहे थे, बहुत खूबसूरत बातें हैं जो आपसे मेरे प्यारे स्कॉलर्स हमेशा ही प्रोग्राम्स में शेयर करते हैं, और साथ साथ ये सना ख्वाह मेरे तकरीबन हर प्रोग्राम के ख़ास हिस्सा होते हैं, और आज तो सहारबाजी माशाल्लाह मौजूद है। कहते हैं ना वो एक पैकेज में दो फ़ायदे, ये वो वाले हमारे मेहमान हैं कि आपको एक मेज़बान भी मिल जाती हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज़ में कर रही हैं, और साथ साथ सना ख्वाह तो माशाल्लाह आपका हवाला और पहचान, और सबसे बड़ी बात और एज़ाज़ की यही है इनके लिए। अच्छा सहारबाजी, माशाल्लाह दो दिन ईद के गुजर गए हैं, हम जानते हैं आपके बच्चे हैं, और स्पेशली अगर लड़के हों तो वो जो लड़के होते हैं ना, वो जानवर को ना सुकून से बैठने देते हैं और ना ख़ुद सुकून से बैठते हैं, तो कैसे गुजरे दो दिन? असल में ऐसा होता है कि ये ईद तो ऐसी है कि इस ईद का इंतज़ार बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, और काफ़ी दिनों पहले से होता है, और ये जो है इंतज़ार शुरू हो जाता है कि कब, ख़ासतौर पर वो मंडी जाना और घूमना और जानवर की तलाश करना, ये बच्चों के लिए बड़ी एक्साइटमेंट वाला सारा काम होता है, जाहिर है। तो यहाँ भी हमारे यहाँ भी जाहिर है वही सिलसिला रहा कि वो मंडी जाना और फिर जानवर खरीदना और फिर उसको जो है वो उसकी देखभाल करना, और फिर इस दौरान जो बच्चों को उससे मोहब्बत हो जाती है, वही जो बात अभी कही भी गई उसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ कि जाहिर है कि कुर्बानी का अगर देखा जाए तो फ़लसफ़ा भी यही है, मकसद भी यही है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ है या हो जाती है उस मोहब्बत को अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए कुर्बान करना। बेशक बच्चों को भी ट्रेनिंग फिर यहीं से मिलती है कि वो जो जानवर को घुमाते हैं, फिराते हैं, सैर कराते हैं, खिलाते हैं, और खुद नहीं सोते, रात रात भर जाके उसे चेक कर रहे होते हैं, भी देख रहे होते हैं, खिदमतें हो रही होती हैं कुर्बानी के जानवर की। और सबसे मजे की आती है, मेरे घर के बच्चे तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने इतने दिन इसके साथ गुजारे, इसका गोश्त नहीं खाएंगे तो वो भी माँ बाप के लिए बड़ा मरहला होता है उनको। और मुझे भी याद है पहले दिन हमारे पास नौरीन फाई साहिबा मौजूद थी, तो वो बता रही थी कि उनके बेटे ने नई फरमाइश की कि अम्मी इस दफा मैं अपने जानवर के लिए हार डालूंगा, आप अपनी सारी ज्वेलरी मुझे दे दें। नौरीन भाजी की ज्वेलरी उन्होंने अपने कुर्बानी के जानवर को पहनाई है, तो ये प्यारी प्यारी वो बड़ी स्वीट सी हरकतें होती है ना, आपको दरअसल सबक देती है कि जो चीज़ कीमती है वो यकीनन तुम उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन अल्लाह की रजा के खातिर वो कुछ नहीं, अल्लाह की रजा के उसूल के लिए आपने वो भी कुर्बान करना है। और बेशक यही सबक नाज़रीन हम सबको मिल रहा है, अगर आपने कुर्बानी की है तो इसके मकसद को समझिए, और समझिए कि आप कितने खुश नसीब हैं, क्योंकि कितने लोग हैं जो चाहते हैं रब की रजा के उसूल के लिए कुर्बानी
पेश करें, मगर शायद उनकी इतनी इस्तेआत नहीं। आपको अल्लाह ने इस्तेआत दी है तो कुर्बानी के गोश्त को डीप फ्रीजर नहीं बल्कि गरीबों तक पहुँचाएँ, मुस्तहकीन तक पहुँचाएँ। वरना अक्सर लोग कहते हैं ना, अक्सर लोग गरीब जो होते हैं, मुस्तहकीन जो है ना, वो डीप फ्रीजर में रहते हैं, शायद वो गोश्त सारा वहीं से ले पहुँचता है। दूसरा मैं तो बताऊँ, अगर तुम सेल को भी देखो डीप फ्रीजर की, तो इस महीने बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। अफसोस की बात यह है कि अभी लास्ट ईयर की वाक्य मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी मेड गोश्त लेकर आई कुर्बानी से 2 दिन पहले। मैंने कहा ये तुम्हें कहाँ से मिला, तो उसने कहा वो उन बाजी ने दिया है पिछले साल की कुर्बानी। अल्लाह सोचो, एक साल उसको स्टोर मतलब रखा, स्टोर ये है रखा, और ये मतलब एक यही कॉन्सेप्ट है, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है अगर लोग रख रहे हैं। और देखो कुर्बानी और आजकल के जो हालात हैं, कम से कम आपका जो जानवर है, जिस जानवर में 3 हिस्से हैं, जिसमें 7 हिस्से हैं, आप उसी तरह से उसको डिवाइड करें। एक आपका है, वो बल्कि एक आपके रिश्तेदारों का है। याद आई जी जी, कि वो किसी साहिबा ने ख्वाब में देखा कि तकरीबन सारे जो जानवर कुर्बान किए गए थे पड़ोस के, तो सब जन्नत में है, उनका बकरा अभी तक नहीं पहुंचा। तो वो पूछती है कि तुम क्यों नहीं पहुंचे अभी तक, तो कहते हैं मेरी रान अभी तक फ्रीजर में। तो नाज़रीन अपने जानवर की रान को जल्द से जल्द हकदारों तक पहुंचाए, वरना वो भी जन्नत नहीं पहुंचेगा। खुदा ना खासा अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को, इन जज्बात को मकबूल फरमाए, और बेहतर से बेहतर अंदाज में अपनी जानिब से जो कुछ हम कर सकते हैं वो करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हम कुछ भी कर लें यकीनन वो हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन इस प्यारी सुन्नत पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। ज़रूर कुर्बानी दीजिए, अल्लाह ताला मकबूल फरमाए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे कि इम्तियाज़ जावेद खाफी साहब बहस थे स्कॉलर, बड़ी सीरियस ऑन स्क्रीन होती हैं, क्या बचपन से ही बहुत सीरियस हैं, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। बकरईद आ गई, गोश्त बहुत सारा होगा। एक बात याद रखिए कि गोश्त में जो बैक्टीरिया का अमल है वो फ्रीज करने के बावजूद बाकी रहता है। गोश्त को फ्रीज करने से पहले गोश्त को बहुत अच्छी तरह धो लीजिए। धोने के बाद जिन पैन्स में आपको रखना है वो पैन्स धोकर फिर रखिए, या अगर आप मुख्तलिफ थैलियों में रख रहे हैं तो उन थैलियों में गोश्त को महफूज रखिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि गोश्त को अलहदा अलहदा पैक करना अपनी ज़रूरत के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आप गोश्त को अलग अलग पैक करेंगे तो उससे आपकी सर्विंग में आसानी होगी। दोबारा पकाने के लिए गोश्त आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन कुर्बानी के गोश्त को जब तक धोएं नहीं तब तक फ्रीज़र में न रखिए, इसलिए कि फ्रीज़र में रखने से उसके अंदर होने वाले बैक्टीरियाज बाकी रहते हैं और मुमकिन है कि वो गोश्त खाना आपके लिए नुकसानदेह हो जाए, आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह हो जाए। तो आज ईद कुर्मा पर हमारी टिप ये है कि कुर्बानी का गोश्त धोकर अपने अपने हिस्से बनाकर फिर फ्रीज कीजिए, ताकि इस्तेमाल में भी आसानी हो और किसी किस्म की कबाहत भी ना आए, किसी किस्म की बीमारी भी ना आए, और ये गोश्त कल आपके लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। कुर्बानी का गोश्त बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, इसलिए कि वो गोश्त ही नहीं है, वो दरअसल अल्लाह की वो नेमत है जो साल में सिर्फ एक बार मिलती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन 2 सुरमई रंग के सींगों वाले खस्सी मेंढे ज़िबा की। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप
आप सभी को एक मरतबा फिर खुश आमदेद कहती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, ईद कुर्बान जिसे बड़ी ईद भी कहा जाता है, बकरीद भी कहा जाता है, यकीनन इसकी सेलिब्रेशन दुनिया भर में सब लोग अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। दुनिया भर में आलम इस्लाम के तमाम तर मुसलमान बहुत मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ, अपनों के साथ इस प्यारे दिन को, इस प्यारे त्यौहार को मना रहे हैं। वहीं हम यानी RYQ TV की पूरी फैमिली भी एक साथ मौजूद है। हमारे बहुत सारे मेम्बर्स आज भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, जिनको आप RYQ TV के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते रहे, सुनते रहे, पसंद करते रहे। इस प्रोग्राम में ईद के पहले दिन भी, दूसरे दिन भी और आज तीसरे दिन भी ये मेहमान शरीक हो रहे हैं। जान रहे हैं हम इनसे कि ये ईद कैसे मनाते हैं, क्या सिलसिला रहता है। साथ साथ नाज़रीन, ईद हो और वो भी बड़ी ईद जिसे हम ईदुल्अज़हा कहते हैं, ईदुल्अज़हा इसका नाम, यकीनन कुर्बानी के गोश्त से मुख्तलिफ खाने, मुख्तलिफ डिशेस बनाना यह तमाम किचन्स में लगातार हो रहा है। और रोज़ाना हम सोच रहे होते हैं कि आज क्या ऐसा बनाया जाए जो शायद हम रूटीन में नहीं बनाते, या अपनी दावत में वो एक कौन सी डिश हो जिसके एडिशन की जाए तो बहुत सारी दाद मिले। तो हमारे साथ शेफ समीना मौजूद, जो हमें रोज़ाना कुछ न कुछ नया सिखा रही हैं। आज भी इन्होंने माशाल्लाह दो ज़बरदस्त रेसिपीज़ का सिलेक्शन किया, वो आपको दिखाया और बताया जा रहा है, जो आप कैमरे की आंख से थोड़ी थोड़ी देर बाद देख भी रहे हैं। तमाम हलचल, तमाम मूवमेंट किचन साइड पर। इस वक्त मैं आ रही हूँ वापस अपने मेहमानों की जानिब नाज़रीन, क्योंकि गुफ्तगू जारी थी, गुफ्तगू का ही सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन पहले सहारवा जी, आपसे फरमाइश है, गुजारिश है कि एक शेर ही सही कुछ ना कुछ हमारे नाज़रीन के लिए सुनाया जाए। लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लौ मदीने की, मदीने की लौ, मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी अपनी, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्यों न पलड़ा तेरे तेरे, क्यों न पलड़ा अब तुम्ही जान पर सरकार भी आए हुए हैं, अब तुम्ही जान पर सरकार भी आए हुए हैं, लौ मदीने की, मदीने की लौ, मदीने की तजल ले अनवार बनाई हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत नात, और जब जब भी ये नात आप पढ़ती हैं तो बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ती हैं, आपकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं। लेकिन साथ साथ इम्तियाज़ बाजी इरम साहिबा भी मौजूद है माशाल्लाह, शेफ साहिबा भी हमारी सुन रही थी और सुभान अल्लाह वहाँ बैठे कह रही थी कि हर एक जुमला, हर एक लफ्ज़ यकीनन याद दिलाता है कि मेरे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना करम फरमाने वाले हैं। लेकिन साथ साथ मेरे नाज़रीन को ये भी मालूम होना चाहिए कि अपने आमाल नाज़रीन हमें इतने अच्छे करने हैं, इतने दुरुस्त करने हैं, हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छे अंदाज में गुजरे कि हम दुनिया को हासिल करने के लिए ना लगे रहें, बल्कि दुनिया में कुछ अच्छे काम करते 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 मेरे रब की रज़ा हासिल कर लें। क्योंकि रोज़े महशर हमारे पास ना दुनिया का बंगला होगा, ना ये महंगे जानवर होंगे, ना गाड़ी होगी, बल्कि क्या होगा, हमारे अच्छे आमाल
होंगे, अगर कुछ ने क्या की वही हमारे लिए सब कुछ होंगी। और यकीनन ये प्यारा मौका इम्तियाज़ बाजी ज़रूर बताइएगा, तसी कीजिएगा अगर मैं कहीं भी गलत कहती हूँ, कि ये ईद का मौका हमें बार बार हर एक दिन हर एक लम्हा मौका दे रहा है कि हम नेकियाँ कमा लें, लोगों के घर कुछ खाना पहुंचाकर, लोगों को दावत पर बुलाकर, हकदार किया हक पहुंचाकर। और सोचें कोई ऐसा गरीब या कोई ऐसा मुस्तहिक जो आपके इर्द गिर्द रहता हो, जिसके वहमो गुमान में भी ना हो कि आप एक हिस्सा उसके घर पहुंचाएंगे और पहुंचा दे तो वो कितना खुश होगा। यकीनन बेशक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा यसरा, कि हर हर लम्हा अगर हम उस मोहब्बत से करते रहें अमाल, तो यही अमाल हमारे काम आने हैं। बेशक बेशक। और फिर ज़रूरी बात यह है कि हम दूसरों का ख्याल रखें ना, कि घर के अंदर भी हम कई अकतलफियाँ कर रहे हैं, अपने रिश्तों में और अपनी उन चीज़ों में हम केयर नहीं कर रहे, तो हमें उनका भी ख्याल रखना है। और फिर ये भी एक हकीकत है कि रहमत हक बहाना में जो है, वो तो रहमत के बहाने तलाश करता है अपने मोमिनीन बंदों पर बरसने के लिए, उसकी रहमत बेताब रहती है कि कोई एक कदम आगे बढ़ाता है वो 10 कदम आगे बढ़ाए, किसी वो आप चल कर जाते हैं वो दौड़ कर आता है आपकी तरफ, उसकी रहमत आपको गले से लगाती है। तो हम कितने बदबख्त हैं जो मुंह मोड़ के और दुनिया की लज्जतों में खो जाते हैं। तो ये सब चीजें फानी हैं, कुछ नहीं रह जाना। या ये जरूर कहूंगी कि देखिए ना, मोहब्बत है ही असल में वो कि जो हमें अतात पर ले जाए, वरना मोहब्बत का दावा झूठा दावा है। अब कई लोग नातों पे बड़ा झूमते हैं, बड़ा झूमते हैं, मगर वही उठते हैं तो वही सारी गीबत, नफरत, बुगज, कीना, खुदगर्जी, वो सारी चीजें पाली। तो अभी मोहब्बत नाकिस है, अभी दर्जे पर नहीं, शेरों पर वाह वाह करके आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। आपकी मोहब्बत आपके अंदर उतरेगी तो फिर ही आप आपके अमाल दुरुस्त होंगे। फिर जाहिर ही सब कुछ नहीं, बातिन का धुलना निखरना बेहद जरूरी, और बातिन निखरेगा तो फिर जाहिर भी निखर खुद जाता है। खुद क्या खुद बात है। अच्छा, जाहिर और बातिन की बात तो हो रही है, यकीनन इससे एक जुमला में जरूर कि देखिए जाहिर की तो हुस्न के लिए कितना एहतमाम, बिल्कुल ब्यूटी पार्लर जाते हैं, बातिन के हुस्न को हासिल करें ना तो फिर जाहिर खुद ब खुद चमक। बेशक बेशक, ये हकीकत है, लोग अगर समझ जाए तो कितने करोड़ों रुपए बच जाए और कितने ब्रांड्स बंद हो जाए। अच्छा, की इस बात से मर्द हजरात बहुत खुश हुए होंगे जो पैसे बच रहे हैं। हाँ, पैसे बच रहे हैं। लेकिन ग्रूमिंग करनी है ना, अभी बात इनकी करें ग्रूमिंग। उसका ब्यूटी पार्लर हमने खोला और बल्कि हमने, मुझे जितना याद है, हमने एक मरतबा इस पर प्रोग्राम भी किया था कि खूबसूरती जाहिरी या बातनी। हाँ, और बातनी खूबसूरती हासिल करनी है तो उससे जाहिर भी आपका निखर रहा है, जबरदस्त। हम समझते ही नहीं है ये बात। अरे इम्तियाज बाजी, हमारी ये भी बात हो रही थी कि आपका बचपन कैसा था, क्योंकि मैं सज्जल को जब जब देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है आप जब इतनी होंगी तो कैसी होंगी। खैर, हम तो तब होंगे ही नहीं, तो कैसी थी, शरारती थी, बेल्स बजा के भागने वाली बच्ची, जानवरों से डरने वाली बच्ची, या खूब चारा ला कर लाड करने वाली बच्ची कि मेरे घर जानवर आया है, कैसा? जी, सही बात यह है कि हम गांव में थे जहाँ, तो वहाँ जानवर वगैरह बिल्कुल सेपरेट घर से दूर बांधे जाते। अच्छा। थे तो भाई वगैरह जाया करते थे। मैंने बचपन में इस तरह से जानवरों के साथ वो नहीं गुजारा। हाँ, हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी की बात ये होती थी कि अगर अब्बू चले गए हैं, अब घर से भाई वगैरह चले गए, तो अब दोस्तों के साथ खेलो, कहीं मौका मिल जाए तो। उन दिनों गेम्स क्या होती थी, चीची कंडा और पत्थरों से खेलना और वो भाग दौड़ और छुपन छुपाई, और ये इन खेलों में हम ज्यादा मसरूफ रहते थे। मतलब जानवरों के साथ उस तरह से नहीं के उसको लेकर घुमाना या वो वाला काम नहीं होता था। जो सच्ची बात है वो है, सही, जबरदस्त। अच्छा, अक्सर लोगों को नहीं मालूम कि अच्छा कराची में अब हैं आप, इस शहर में आप मौजूद हैं, लेकिन आपका एक ख़ास सिलसिला वो ना सरजमीन है पंजाब, पंजाब की ज़मीन से भी है, जहाँ के लोग भी, जहाँ जिंदा दिल होते हैं वही खाने पीने का बड़ा अहतमाम होता है। तो कुछ इस हवाले से भी बात होगी कि पंजाब और यहाँ की ईदों में क्या कुछ फ़र्क नज़र आता है जब कभी वहाँ जाती हैं। लेकिन 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 एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, तो नाज़रीन आपने हमारे साथ रहना है, हम यहाँ मौजूद हैं और साथ साथ कुछ अंदरूनी, कुछ मेरे एजेंट्स ने मुझे ख़बर पहुँचाई है कि ये सी बच्ची सज्जल जो यहाँ मौजूद है बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी स्कूल में डिबेट्स और तकारीर भी करती हैं, तो कुछ इनसे भी सुनेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए, देखते रहिए ईद स्पेशल प्रोग्राम यसरा खान के साथ।
पसंदीदा माल। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया उससे ज्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सभी को एक बार फिर खुश आमदेद। आप देख रहे हैं ईद का ये खसूसी प्रोग्राम आपकी मेज़बान यसरा खान के साथ। ये खसूसी प्रोग्राम नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा फरमाया ईद के पहले दिन से और आज भी ये माशाल्लाह प्रोग्राम सजाया गया है, जहाँ तशरीफ़ लाए हैं आपके पसंदीदा मेहमान, पसंदीदा गेस्ट और इनसे हो रही है बहुत सारी बातें। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बहुत कुछ जान रहे थे इम्तियाज़ बाजी से कि वो क्या क्या गेम्स खेलती थी, और इनके देखने वाले जो इनको फॉलो करने वाले जो व्यूवर्स हैं, जो इनके फ़ैन्स हैं, वो भी सुनकर बड़े हैरान होंगे कि अच्छा इम्तियाज़ बाजी भी हाइड एंड सीक और छुपन छुपाई ऐसे गेम्स खेलती थी। तो वाकई नाज़रीन ये गेम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और जहाँ बचपन को शो करते हैं वही एक्चुअली बच्चे को बहुत एक्टिव कर देते हैं, और जो बच्चे खेल कूद में ज़्यादा होते हैं परेशान हो जाते हैं माँ बाप के, बहुत खेलता है हमारा बच्चा एक्चुअली, उनका मैंने जो नोटिस किया है उनका दिमाग बड़ा एक्टिव और बहुत शार्प होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और तभी आप स्टडीज़ में बड़ी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह यकीन। अच्छा, एक नन्ही सी हमारे पास शहजादी भी नाज़रीन आज प्रोग्राम में मौजूद है, सज्जल आपका नाम है, इरम ज़िया साहिबा की साहबजादी हैं। अच्छा, फिर तो शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि टैलेंटेड हो या माशाल्लाह ये भी गुफ्तगू के हवाले से या स्पीचेस वगैरह में हो, माशाल्लाह यही मालूम हुआ कि आप स्कूल में स्पीचेस करती हैं, और जैसे कि अभी कुछ ही टाइम पहले एक खसूसी दिन भी सेलिब्रेट किया गया इनके स्कूल में, उसके हवाले से इन्होंने हुब्बुल वतनी पर एक बहुत प्यारा सा मौजू इनको दिया गया, उस पर इन्होंने स्पीच की, तो माशाल्लाह बड़ी तैयारी होती है। स्टडीज़ में कैसी है? मुझे चाहूँगी जरा माइक अगर सजल को दे दे, सजल को भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक। आप सबको सुन रही हैं? सब समझ आ रहे हैं? अच्छा, मुझे बताएं सजल स्टडीज़ में कैसी है, पढ़ने में कैसी है? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। पोजिशन लेती हैं? अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लूँ? पक्की बात है, पूछ लूँ? चले रहने दे, नहीं पूछते। अच्छा, मुझे पता चला है कि आप बहुत अच्छी स्पीच करते हो, सच है? वाकई? अच्छा, स्पीच तो नहीं सुनूंगी, मुझे कोई शेर या कोई भी चीज़ ऐसी याद है आपको? पक्का याद है? तो खड़े होकर सुना दें ताकि मेरे नाज़रीन आपको देखें, और आपकी तैयारी तो माशाल्लाह नाज़रीन वाह, ड्रेस ज़बरदस्त, खड़े हो जाएंगे, क्या बात है। तो ये हमें शेर सुनाएंगे, हमारे नाज़रीन भी सुनेंगे। जी, ऐ दुश्मने दी तूने किस कौम को ललकारा, हम भी हैं सब आरा, जिस राह पे आएगा उस राह पे मारेंगे, पानी भी न मांगेगा, यूं नशा उतारेंगे हम मौत की वादी से, तुझको यूं गुजारेंगे, इस कौम से लड़ने की हिम्मत न हो दोबारा, जज़ाकल्लाह। वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, कितना टाइम लगा सजल को ये याद करने में स्पीच अपनी? टू डेज। वाकई टू डेज इनफ? अच्छा, अभी भी क्योंकि जो स्कूल्स वगैरह में कॉम्पिटिशन होते हैं तो बच्चे एक एक हफ्ता तैयारी कर रहे होते हैं, और उसके बाद भी वो पर्चा हाथ में होता है जब वो रॉस्ट्रूम की तरफ जा रहे होते, कहीं भूल ना जाए तो पर्चा रख के पढ़ा। कॉम्पिटिशन वगैरह में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, ये जब हम लोग अपने स्कूल लाइफ में थे जब भी हम देखते थे कि बहुत ज्यादा था, लेकिन अब मुझे कुछ लगता है कि कुछ कम हो गया है ये चीज़ ना। कम नहीं, जो मैं समझती हूँ ना साहबा जी, कम नहीं हुआ है माशाल्लाह, अब अगर कम भी हो रहा है तो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, और मौके बढ़ गए हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स इस तरह के मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत पार्टिसिपेट करता है। थोड़ा सा आज नाराज था कि आप इसको ले जा रही हैं, मुझे क्यों नहीं ले जा रही हूँ, एक्चुअली खवातीन का प्रोग्राम है, मर्द हजरात अलाउड नहीं है, हालांकि वो भी सिर्फ 11 साल के, लेकिन मैंने कहा वो अलाउड नहीं है तो मैं इसलिए इसको लेके जा रही हूँ आपको, फिर इंशाल्लाह ताला कभी। सही, तो बच्चों को अब बहुत मौके मिलते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि कामयाबी वो है कि बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, और बच्चों का वो बचपन कायम रखा जाए, और इतना बर्डन ना हो। बिल्कुल, इम्तियाज आपस से बात कर रही थी तो मुझे वही हंसी आई कि हमारा जो बचपन था वो आज हमारे बच्चों को मैसर नहीं है, क्योंकि तुम देखो कि हम अपनी गली के बाहर भी खेलते थे, और बल्कि तुम्हें याद होगा एक दफा मॉर्निंग शो में हम बुजुर्गों की जब अहमियत की बात कर रहे थे तो वो घर के जो बुजुर्ग अफराद होते थे वो शाम को घरों के बाहर बैठते थे, एंड दे वर ऑल्सो लाइक गार्ड्स, के वो गली के कोनों पे बैठे हुए, घरों में बच्चे सेव हैं।
तो लाइट चली जाती थी तो सारे गली के बच्चे बाहर आ जाते थे और फिर वो घरों की बेल्स में वो तिनके लगा के पता नहीं कितनी बेल्स जला दी उड़ा दी। आज तुम देखो घर के बाहर हमारे गार्ड्स बैठे लेकिन हम अपने बच्चों फिर भी हम सिक्योरिटी नहीं देते। अच्छा आपका बचपन कैसा था? आप भी बड़ी भाग दौड़ वाली और के बेल्स में तिनको वाले काम आप करती थी? मेरा बचपन अगर सच पूछो तो मैं बहुत शरारती थी। नहीं वाकई, और मैं सच बोलूंगी, वही वाली बोलूंगी कि सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या बात है। परवीन शाकिर के हालांकि ऐसा होता भी और नहीं भी होता कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी। हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो बहरहाल बहुत शरारतें करती थी। उसकी वजह ये थी कि मुझसे बड़ा भाई है, तो वो माशाल्लाह भाई तुम्हें पता है हमेशा डेयरिंग होते हैं, वैसे होते हैं, तो बड़ी बहन तो बड़ी सोबर सी थी लेकिन मैं भाई के अंडर रहती हुई बिल्कुल वही सारे काम करती थी। अच्छा। तो वो स्कूल से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करके आते थे तो घर में प्रैक्टिस मेरे साथ होती थी, तो वो सारे खेल वही खेले, भाई के साथ रही, उसी के साथ सीखा, तो कभी डर खौफ क्या होता है मुझे नहीं। माशाल्लाह। अच्छा इरमजिया साहिबा, आप क्यू टी वी के मेंबर बनी माशाल्लाह और लगातार आई थिंक ये थर्ड ईद है आपकी अगर मैं गलत नहीं, या दूसरी ईद है? दूसरी ईद है हमारी आपके साथ। तो क्या चेंज आया लाइफ में क्यू टी वी से पहले और क्यू टी वी के बाद? यूसरा लाइफ में चेंज किस हवाले से तुम पूछ रही हो? मतलब वैसे तो ऐसा कुछ नहीं लेकिन हाँ ये एक बहुत अच्छा लगा कि आई एम कंसिडरिंग दिस एज माई फैमिली और तुम लोगों से मिल के और जहरे यहाँ पे साथ बैठ के चीज़ों को शेयर करके और पर्सनली बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। क्योंकि जब मैं जिन प्रोग्राम्स में आती हूँ मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स भी होते हैं तो हम जो डिस्कशन करते हैं, क्योंकि देखो सीखने का अमल वो है जो सारी जिंदगी चलता है और जहाँ मैंने ये सोच लिया कि मैं मुकम्मल हूँ उस दिन से मेरी हार शुरू है। बल्कि मैं तुम्हें यहाँ एक छोटा सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़ है कि आप मस्जिद नबवी में एक दफ़ा तशरीफ़ लाए तो देखा कि दो गिरोह बैठे हुए हैं, एक जिक्र इलाही में मसरूफ़ है और दूसरा सीखने सिखाने के अमल में मसरूफ़ है, तो आप उस गिरोह के साथ बैठ गए जो सीखने सिखाने के अमल में मसरूफ था। यकीनन ये तो हुक्म भी है ना कि जन्नत की फुलवारियों से गुजरो, जब सवाल हुआ वो क्या है तो यही इल्म की मजालिस यही है कि देखो जमूद जहर है, तरियाक उसका जहर दो। तो यहाँ के मैं सच कहूंगी कि मेरे उस सीखने के अमल में माशाल्लाह बहुत ज्यादा तेजी आई, तरक्की आई और आई एम वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस। क्या बात है। अच्छा इम्तियाज बाजी, कई स्कॉलर्स नए आए, कई ऐसे जूनियर्स, मैं जब भी उनसे सवाल पूछती हूँ कि आपके फेवरेट स्कॉलर कौन है या वो कौन सी स्कॉलर है जिनके साथ आपको बगैर किसी टॉपिक के बताए भी बिठा दिया जाए तो बड़ी कंफर्टेबल फील करेंगी, तो वो नाम आपका आ जाता है। तो अच्छा, आप ऐसा क्या करती है जो मेरे जूनियर स्कॉलर्स बड़े खुश होते हैं? बस इम्तियाज बाजी पर तो कोई टेंशन ही नहीं है। जिस तरह ये बहुत दिल से ये रहता है कि दीन का काम कंटिन्यू रहना है। हाँ। उसके लिए हमें नए लोगों को बकअप करना है, उनको देना है एतमाद। तो अमूमन ये होता है कि जब कोई जूनियर आता है वो थोड़ा घबरा रहा हो तो मैं उसे पूरी हेल्पफुल होती हूँ माशाल्लाह, और बड़े दिल से होती हूँ कि इम्तियाज ने तो हमेशा नहीं रहना, इन लोगों ने अभी इनके पास वक्त है तो इन लोगों ने आगे बढ़ना है, तो उनसे पूछ लिया जाए कि जो चीज़ आपको, बल्कि आयशा के साथ तो बड़ा मजाक हुआ था कि उसको एक वाक्या याद था तो मैंने कहा यही वाक्या आप सुना दीजिए, तो वो जब हम आने और जाते थे तो वो भूल जाते थे। बिल्कुल नए नए आए थे। बिल्कुल नए नए आए थे। इस तरह हर एक के लिए यही ख्वाहिश रहती है कि हेल्पिंग रहूं, और सीनियर्स हों तो ये रहता है कि वो ज्यादा उन्हें मौका मिले, उनसे कुछ सीखने का मौका मिले हमें। जबरदस्त। अच्छा हमारे साथ सहार बाजी भी मौजूद हैं। सहार बाजी एक ऐसा प्रोग्राम करें जो एट अ टाइम आपको सनाख्वां भी मिल रहे हैं साथ मेहमान और एक स्कॉलर भी होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा मजा किन के साथ आता है, वो अपने सनाख्वां ग्रुप में, गैंग में, या ये स्कॉलर्स के साथ, उस्तादों के साथ, ज्यादा मजा कहाँ आता है आपको? असल में यूसरा ऐसा है कि प्रोग्राम के हवाले से जो आपने बात की ना, तो इस प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि अगर सनाख्वां होती हैं हमारे साथ तो एक स्कॉलर भी होती हैं, अगर जब सनाख्वां होती हैं तो उनकी आवाज़ जब तक वो पढ़ रही होती हैं तो उनकी आवाज़ की चाशनी और उनकी आवाज़ का एक सहर जो होता है उसकी कैफियत अलग होती है ना। जवाब ये सियासी बयान है। नहीं मैं बिल्कुल ठीक बता रही हूं। और फिर जाहिर है कि अच्छा, और अब वो लोग खास तौर से कि जो नातों को समझना चाहते हैं और उसमें जो मौजूद तालीमात हैं और उसमें मौजूद जो पैगाम है उसको समझना चाहते हैं, तो यकीनन उनके लिए हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेशक अपने मकसद में बहुत काफी हद तक कामयाबी हासिल किया है। इनके बड़ा फास्ट मूविंग होता है, आपने देखा होगा कायनात में, जब मैं इनके साथ बैठती हूँ मैं इस चीज की बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत मेहनत करके आती हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी ग्रिप के साथ मूव करती हैं, हमें भी मौका देना है, उसको भी मौका देना है, और ये मौका देने वाले रोज बड़े कम होते हैं। और माशाल्लाह नाज़रीन, अगर मेजबान आपका अच्छा हो, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं मौका परस्त हूँ।
नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा, अपॉर्चुनिटी तो मैं कभी कहती ही नहीं। आप मौका दे रही होती है, मैंने यही कहा ना कि इतने सारे मौके मेरे नाम के साथ लगा दिए, तो ऐसा ना हो कि लोग मुझे मौका पर नहीं। नाजी माशाल्लाह ये आवे क्यू टीवी के वो प्यारे मेहमान हैं जो नहायत ही अपनायत के साथ मौजूद होते हैं, अपना वक्त हमारे नाम करते हैं, और आज ईद के तीसरे दिन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और क्योंकि इरम जिया साहिबा के आगे मसरूफियात भी है, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आप तो आती रहती हैं, आप तो हमारी घर का मेम्बर है, लेकिन ये सज्जन ने भी टाइम निकाल लिया, अपने फ्रेंड्स को छोड़कर यहाँ आ गई है, वहाँ पार्टी होती, गैदरिंग्स होती, सब छोड़कर यहाँ मौजूद है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि मैंने आज टीवी पर शेर पढ़ाया है और आपने सुनना है, ठीक है? तो बहुत शुक्रिया इरम जिया साहिबा फॉर कमिंग, और बाकी की बहुत अच्छी गुजारे हैं, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाजीन हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगी, प्रोफेसर नूरुसवा अशरफी साहिबा, एक और बहुत सीनियर स्कॉलर हैं हमारी, खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करती हैं उनसे बातें, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन आप सभी को खुश आमदेद एक मरतबा फिर आपके अपने प्रोग्राम में, ईद स्पेशल प्रोग्राम है जो कि आप देख रहे हैं RYQ TV से अपनी मेज़बानी इसरा खान के साथ। ईद उल अज़हा बहुत खुशी का मौका, मुसर्रत भरा, जहां हमारे प्यारे हमारे साथ मौजूद होते हैं, हम मिलकर न सिर्फ ये ईद मनाते हैं बल्कि साथ साथ उन लोगों को भी इस मौके पर याद रखते हैं कि जो हमारी तरफ कुर्बानी नहीं कर पा रहे या जिनके पास इतनी नेमतें नहीं मौजूद जितनी हमारे पास। यकीनन शुक्र अदा करना ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि शुक्र में बरकत है, आप जितना शुक्र अदा करेंगे परवरदिगार आलम उससे मजीद बढ़ाकर आपको नेमतें अता फरमाएगा। अगर खुदा ना खास्ता आपके पास मौजूद नेमतों में आप महसूस करते हैं कोई कमी आ रही है, कोई चीज़ कम है, कोई चीज़ आपने खो दी है, कोई नुकसान हो रहा है, तो यकीनन ये याद रखें कि मेरा रब जहां देकर आजमाता है वहीं कभी कभी लेकर भी आजमाता है, और आजमाइश बेशक मेरे रब की जानिब से उनके पसंदीदा बंदों पर ही आती है। तो आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, वो आपको बार बार मौका दे रहा है या तो शुक्र का या सब्र का, तो शुक्र के मौके पर शुक्र करना ना भूलिए और सब्र के मौके पर गिला किए बगैर सब्र कीजिए। ये अच्छी बातें, ये प्यारी बातें, हमारे प्यारे मेहमान मौजूद, हम बात कर रहे हैं आज ईद के हवाले से, और इस गुफ्तगू में हमें ज्वाइन किया है हमारी एक और ख़ास मेहमान ने, नाम मैं वक्फे पर जाने से पहले बता चुकी हूँ, लेकिन जो नाज़रीन उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे या जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, बता दूँ कि हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जहाँ इम्तियाज़ जावेद खाकी साहिबा मौजूद हैं, सहार आज़म साहिबा मौजूद हैं, शेफ समीना किचन में मसरूफ़ दौड़ लगा रही हैं काउंटर से, ओवन ओवन से काउंटर, वहीं हमें ज्वाइन किया है हमारी एक और बहुत ख़ास इस्लामिक स्कॉलर ने। खूबसूरत अंदाज़ है गुफ्तगू करने का, एक दो साल नहीं बल्कि कई सालों से माशाल्लाह RYQ TV से वाबस्ता हैं और ख़ूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाती हैं, समाजी मसाइल हो या दीनी एतबार से मुख्तलिफ मसले जो हमारे देखने वाले नाज़रीन को पेश आते हैं, जब भी पूछते हैं नहायत अपनाइयत के साथ जवाब आप माशाल्लाह देती हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है, अल्लाह ताला से दुआ है यूँ ही जारी रहे। हमारे साथ मौजूद हैं और ईद के तीसरे दिन हमें ज्वाइन कर रही हैं आपकी जानी पहचानी मेहमान, इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा प्रोफेसर नूरुसवा अशरफी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और बल्कि सिर्फ ज़ुबानी कलामी क्या, वो मुँह मीठा कराया जाए, ये मेरी जानिब से आपके लिए थोड़ी सी मिठाई अगर आप पसंद फरमाती हैं, वरना मैं नमकीन भी पेश कर सकती हूँ। अच्छा, बाकी लोग काफ़ी देर से वो खामोश हैं। अच्छा इरम जिया साहिबा, जब तक यहाँ मौजूद थी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी कि थोड़ी थोड़ी देर में सज्जल उठती थी, कोई चिप्स कोई बिस्किट, हाँ। तो आप लोगों के लिए कुछ पेश किया जाए, चिप्स लेंगी? बस यूसरा, हमें तो इंतजार है कि समीना पर की जो है वो, अरे उसका तो मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, खुशबुएं जो हमें इस वक्त आ रही है ना, वो तो मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, और
माशाल्लाह तीनों ही दिन की रेसिपीज की जो सिलेक्शन इन्होंने की है वो ऐसी है जो कहते हैं ना एक चीज होती है दिल को लगती है कि पेट को लगती है। हाँ माशाल्लाह। और जो सारी रेसिपीज हम शेयर कर रहे हैं वो भी बड़ी जबरदस्त ईद के हवाले से गोश्त की रेसिपीज और प्रेजेंटेशन भी नाजीन माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह के इंतजार ना किया जाए। और बस और ये नान आपने देखे कितने खूबसूरत हमने नान बनाया। अच्छा मैंने सोचा कि कल हमने ऐसी चीज नहीं रखी थी जिसके साथ हम नान या चावल वगैरह खाते, तो मैंने सोचा आज मैं नान खुद बना लेती हूँ। हाँ, और तो चुपके से बना लिए। हाँ, और रेसिपी भी नहीं बताई, देखें जरा ये कितनी ज्यादती है। इतने सिंपल है ये नान बनाना कि आप जब घर में बनाएंगे, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिक ओवन हो तो ज्यादा बेहतर होता है, उसमें ये ज्यादा अच्छे बनते हैं क्योंकि हीट जो है वो दोनों तरफ से आती है और फैन की वजह से सर्कुलेट भी कर रही होती है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम जरूर इंशाल्लाह ये भी बताएंगे। और जब तक शेफ समीना अपने तमाम तरह एक्सपर्टी के साथ किचन में नान प्रेजेंट कर रही हैं और तमाम चीज़ें कर रही हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे गप्पे मार रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। कहते हैं ख्वातीन अगर बात करना शुरू कर दें तो वो रुकती नहीं है। हाँ। मैं जानूंगी प्रोफेसर साहब आपसे ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए वैसे जरूरी तो नहीं है, बहुत सी ख्वातीन कम गो भी होती है और मेजॉरिटीज अथॉरिटी तो ज्यादातर तो बहुत होती हैं, लेकिन ये बात फेमस हो गई है ख्वातीन के हक में कि वो ज्यादा बोलती हैं। तो ख्वातीन को थोड़ा सोचना भी चाहिए इस मामले में कि वाकई ज्यादा तो नहीं है। भाई क्या मशहूर हो गए हम लोग बहुत बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कैसी ईद के दोनों दिन गुजरे प्रोफेसर साहब आपके? पहले दिन दूसरे दिन क्या मसरूफियत रहती है? कुर्बानी पहले दिन करते हैं आप लोग, कुछ बताएं अपने। माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे और बहुत ही ये अल्लाह की तरफ से तोहफतन ये दिन हमें इनायत हुआ है, जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के लिए दो दिन है खुशी के, ये त्यौहार है। तो यकीनन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुशी का दिन फरमाया, तो इससे बढ़कर कोई और दिन हो ही नहीं सकता। और कुर्बानी हमारे यहाँ पहले दिन भी होती है, दूसरे दिन भी गोश्त बांटने का और पकाने का कुकिंग का ये सिलसिला चलता रहता है। क्या बात, अच्छा खुद कुकिंग करती है? मुझे इंटरेस्ट है, मगर करती कम हूँ, लेकिन इंटरेस्ट है और जब जाती हूँ तो कुछ ना कुछ। अच्छा मुझे याद है जब जब हम ईद पर इम्तियाजबाजी के साथ होते हो मैं ये सवाल पूछती हूँ कि आप शौकिया बनाती हैं मजबूरन, तो कहती मजबूरन बना लेते तो कोई प्रोग्रेस है या अभी भी? वो जुमला नहीं दोहराया कि इस दफा युसरा ने रमजान में भी और अब ईद पर भी पूरी कोशिश की है हमें रेसिपी सिखाने की, तो इसका कुछ असर हुआ? लेकिन आपा बात ये कि हमें भी तो पूछना चाहिए ना युस्टा से कि युस्टा ने पूरे रमजान में ईद के तीनों दिन बहुत सी रेसिपी सीखी, बहुत सीखी। हाँ, तो फिर अब हमें कौन सी रेसिपी इनवाइट कर रही हैं आप बना के? आप जो बोले मैं आपको खिलाऊंगी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुक है माशाल्लाह। मम्मी से नहीं हमें आपके हाथ की खानी है। भाई मैं तो जो बनाती हूँ ना वो चाय बना लेती हूँ, खाना चाय बना लेती हूँ, मैं अंडा वंडा बना लूंगी। चाय बनाना सब लोग कहते हैं चाय बनाना है या अंडा बनाना आता है, सही। ये बट टैलेंट का काम है जो है ना, बहुत मतलब वाकई उसके लिए टैलेंटेड होना जरूरी है कि चाय प्रॉपर बनी भी होना चाहिए, उसका सही दम निकला हुआ होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, बहुत ज्यादा लाइट ना हो, तो ये तमाम चीजें जो है ना बहुत जरूरी होती है। आप तो चाय भी रद्द कर दे हमारी थकान आपकी उतर जाती है और खराब सी चाय जिसपे कोई लेयर सी आ जाती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है या मीठी है या दूध बहुत पड़ा है, सारी चीजें नॉर्मल होना चाहिए। और पानी का पकना, चाय के लिए पानी का पकना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का वही पकना है जिसका जो दम पे लगे लगे वो इंतजार करने वाले का दम निकल जाए। आपको अपनी प्रैक्टिस से आती है, जब आप बनाते रहते तो फिर आपको आ जाती है। चाय बनाना हर एक का काम नहीं होती और अंडे का भी यही है, अंडा जो है वो प्रॉपर अंडा बनाना हर एक का काम नहीं है। वो लड़की का रिश्ता आता है वो पूछते हैं कि जी क्या आता है जी, अंडा बनाना आता है, अंडा नहीं बना सकता कोई भी, ये तो हम कह सकते हैं अंडे की हमें बहुत सारी रेसिपीज आपको डेफिनेटली आती होगी, लेकिन ये कि अंडा भी एक डेलिकेट चीज है और उसको बहुत प्रॉपर बनाना एक बहुत टेक्निकल बात है। प्रॉपर बॉईल हुआ, प्रॉपर फ्राई हुआ, प्रॉपर पोच हुआ अंडा, डिफरेंट ऑमलेट उसका प्रॉपर बना हुआ, ये तमाम चीजें बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मेरे तो भाई जहन में एक बहुत जबरदस्ती वो कहते हैं ना वो आ रही है आइडियाज कि मैं जरा बोलूं अपनी टीम को जरा शेफ साहब से टाइम लीजिए और हम एक काम करते हैं सुबह खैर में जो है ना संडे अंडा बनाना नाज़रीन को सिखाते हैं। नए नए अच्छे अच्छे मेरे नाज़रीन टैलेंटेड हो जाए, अच्छे कुक हो जाए। बताऊं कि अभी मैंने एक चैनल पे मैंने अभी एक कंपटीशन था जिसमें लड़कियों के लिए कि कौन सी बहू सबसे अच्छी होगी। अच्छा, तो उसमें यही था कि पहला कॉम्पिटिशन जो था वो ये था कि अंडा कौन प्रॉपर बनाए, खाना नहीं अंडा, प्याज काटना और आटा गूंदना। आप यकीन करें बड़े टैलेंट होते हैं, बहुत टैलेंट। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आटा मुझसे बिल्कुल अच्छा नहीं गूंदता, गूंदा ही नहीं जाता मुझसे,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ये एहसान मुझ पर है कि मैं उसे अपने गूंदे बाटे की रोटी खुद ही पका सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं पका सकता। खानों पर तो जब आपको इन्वाइट किया जाता है तो मतलब लोग बड़े डरते हुए आपके सामने डिशेज पेश करते हैं। अच्छा जवाब नहीं पसंद लेते, ये जो इनडायरेक्ट इंटरव्यू शुरू हो गया, रोके इसको, एक ब्रेक नाज़रीन। अब भी तमाम इख्तियार होस्ट होने के मेरे पास, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सवाल यही होगा जो सारबाजी ने पूछा कि इनके सामने क्या पेश करने में वाकई लोग डरते हैं या दावतों पर कम कम बुलाते हैं, और इन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हमारी दावत करके हमें खिला दें, हमें कुछ अच्छा खाना है। सब कुछ बातें होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए, देखते रहिए ईद स्पेशल प्रोग्राम आपकी अपनी मेजबान यसरा खान के साथ। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल मुकर्रम नबी मौज़्ज़म शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमुल अज़ा यानी कुर्बानी के दिन किसी शख्स का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं, क्योंकि क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर अपने सींगों, अपने बालों और अपने खुरों समेत आएगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ मकबूल होता है, लिहाजा तुम खुशी से कुर्बानी करो। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। वेलकम बैक नाजरीन, देख रहे हैं आप ईद स्पेशल प्रोग्राम यसरा खान के साथ, जहां मौजूद आपके बहुत पसंदीदा मेहमान, हमारे साथ आज दो दो स्कॉलर्स मौजूद हैं, जनाब इम्तियाज़ जावेद खत्वी साहब और साथ साथ प्रोफेसर नूर सबा अशरफी साहबा, दोनों यहां माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाए, और साथ साथ सहर आज़म साहब आपकी पसंदीदा सनाखा, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में प्यारे अंदाज़ में नात भी आपको सुनाई, उम्मीद है कि आपने सुना, और ईद के दिन भी ये प्यारा जिक्र सुन के आपके कुलूब ज़हन मुनव्वर हुए होंगे और आपको एहसास हुआ होगा कि ईद का दिन हो या कोई भी दिन हो, जिक्र के बगैर नामुकम्मल ही रहता है। तो जिक्र को अपने रोजाना के शेड्यूल का अहम हिस्सा बना लें और फिर देखें जो काम अटके हुए हैं वो यूं बनते हैं यकीनन, क्योंकि जिक्र की बरकत ही ऐसी है। बात हो रही थी शेफ समीना से ब्रेक पर जाने से पहले कि क्या लोग वाकई कपकपाने लगते हैं वो ट्रे आने से पहले। नहीं वैसे ऐसी बात नहीं, लेकिन अमूमन ऐसा था, मेरी फ्रेंड्स हैं या कोई मेरी कजन वगैरह, वो अमूमन मुझसे कहती अपने ही घर में, जैसे मैं उनके घर गई थी, भाई हम तुम्हें अब क्या बुलाएं, अब तुम्हारे आगे तो हमारी सारी चीज़ें मांद हो जाती हैं, ये रहती है। मैंने कहा नहीं, खुदा के लिए बना के खिलाओ, मुझे दूसरों के बने हुआ बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। ये होता है वाकई, मतलब आपको इनवाइट किया फिर आपको ही फोन करके पूछा जा रहा हूँ कि ये फलां कैसे जी, बनेगा, जी, फलां मेरी कैसे बनेगी, वो मुझसे पूछती हैं कि अच्छा मैं ये बना रही हूँ इसमें और क्या मतलब, इसको कितना बनाऊँ या कैसे बना रहा हूँ। अच्छा चले, अब जबरदस्त एक गेम है मेरे पास और ये मैंने मुख्तलिफ गेम्स तीनों दिन की, वो तो मुझे पता था कि यसरा का शो हो और कोई गेम ना, कुछ हलचल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत आसान, मासूम से ना आपको अपनी कुर्सी से हिलना होगा, सोफा से हिलना होगा, ना कुछ और करना है, वहीं बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। ये चंद पर्चियां हैं, बड़ी मासूम सी, पतली पतली सी, और इसमें मौजूद चीज भी इसमें अंदर क्या धमाका होने वाला है, हर कुछ नहीं है इसमें, कुछ डिशेस के नाम है और जिस भी डिश का नाम आपके पास निकलेगा उसके बारे में आपको इजहार करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों के जरिए, जुबान से उस डिश का नाम नहीं लेना, और बाकी दो लोगों को गैस करना है वो डिश कौन सी है। ठीक है, तैयार? तो बड़ा खतरनाक, बड़ा आसान है। दूसरे दिन भी हमने किया था तो दो लोग जीत गए थे, एक शख्सियत हार गई थी। नहीं नहीं प्लीज उधर से, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ पर्ची चुननी है अभी। अच्छा, और खोलनी है और छुपा के रखनी है, बराबर वाले ना पढ़े। अरे भाई इतनी आसान डिशेज हैं, आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है मेरी चिट में बिस्किट, तो मैंने बोलना कुछ नहीं है बल्कि इस्तेमाल करना है, यू कैन डू, तो ये इस तरह करना है। और आगाज हम करते हैं कहाँ से, मैं चेंज ना कर, नहीं मुझसे नहीं है, चेंज करनी थोड़ी सी, इतनी चीटिंग तो जायज है। चल
और किसी को आपको कहीं हाँ, मुझे भी आती हो तो पता चले सारी नहीं पढ़ के देखनी है हो गया वही सही थी पहले वाली सही थी इसीलिए कहते हैं चीटिंग से कभी फायदा नहीं होता मुझे बस वही हाँ, मुझे आप बहुत टैलेंटेड है मुझे पता है मुझे भी एक मौका दिया जाए चले आ जाए आप भी क्या याद करेंगे सेलेक्ट कीजिए कौन सी ये तो डाल दें नहीं ना फिर फायदा है क्या एक आ गया तो अच्छा हाँ उन्हें अब ये डालें थोड़ी सी आपने वही रखनी है हाँ, मुझे बस जबरदस्त से वो सिर्फ एक बंदी है यहाँ जो फेयर खेल रही है वो बनाती मेरे को अच्छा इससे बेहतर तो पहले वाला था ये बस देखा मैंने पहले ही कहा था चीटिंग से बेहतर पहले वाला होता है और आगाज हम करेंगे सहरबाजी आपके साथ तो अब आप सोचना शुरू कीजिए हाँ मेरे सीनियर मौजूद हैं मैं आगाज करूं मुझे में ये जरूरत नहीं पहले बच्चे फिर उसके बाद बड़े ये आपस से शुरू किया शुरू हो जाए ये बड़ी ज्यादती है सर आपसे तो मेरी बड़ी दोस्ती थी कहते ना अपने पत्ते हवा देने लगे तो कहाँ से आपसे शुरू स्टार्ट किया जाए इजाजत है बड़ा मुश्किल है इजाजत बड़ा मुश्किल है लाइन में पढ़ तो नहीं रहेगी मैं चीटिंग थोड़ी करूंगी अच्छा हाँ मैं भूल गई मेरा एक रोल और भी था ये बताती रहेंगे मैं डिस्टर्ब करती रहूंगी अरे इतना आसान चले शुरू तैयार है आप लोग ये रोल वैसे आपका हमेशा होता है हाँ डिस्टर्ब करने वाला तैयार है चले जी अब आप गौर से देखिएगा बिन कहे समझ जाइएगा जी इतना कुछ तो आता है समझा दिया अब आते हैं हम आपकी जान तैयार पर्ची मुझे इनायत मैं भी देख लूँ इसमें वैसे ऐसा लग रहा है दुश्मनी निकाल दिया पर्ची के साथ बड़े गुस्से में तोड़ा मरोड़ा नहीं नहीं ये आप चीटर से छुपाने के लिए कहीं देख ना ले ये वो बच्चे नहीं होते जो पेपर करते करते छुपाते हैं कॉपी वो वाला काम है तो बड़ा आसान सा है देखते पहचानते नहीं पहचानते जी हलवा भून रहे हैं नमक डाल रहे हैं चीनी खा लिया जी दोनों सीनियर जीत गए जूनियर मेरा बहुत मुश्किल है इसको बताना बहुत मुश्किल है हाँ देखते हैं शायद तुम भी एग्री करो अरे इतना आसान इतना आसान इतना आसान चले फूल दोनों देख रहे हैं बगौर छोटा छोटा फूल उनको खा लें गुलुकंद नहीं 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 गलत है फिर से कुछ सब्जी बना रही सब्जी बना रही है फूल गोभी के लड्डू यानी युसरा योर जीनियस बहुत अच्छा डिस्टर्ब कर रही है तो फिर आप ही बता दीजिए अरे मैं तो पढ़ लिया ना हाँ मेरे बताने का फायदा तो पढ़ के ही बता रही देखते हैं लोग के तुक्के कहाँ तक पहुँचे आपका तुक्का भाई एक तो लग रहा है कि जैसे गोश्त को पूरा पीस लिया तो कीमा कर दिया कीमा गोभी एक मिनट मैं एक इशारा दे सकती हूँ ना जो हमारे सेट पे ही वो मौजूद है हाँ सेट पर भी मौजूद है अच्छा मतलब वो चीज नहीं उसके नाम के हवाला एक ना अच्छा गमला के बैग पर गमले बुकेट फूल अभी नहीं पहचाने बस कर दे बहुत चीटिंग कर ली सहरबाजी ने गुलाब जामुन फूल खाने वाले फूल गुलाब जामुन मेरा काम ही यही था तो फाइनली मालूम ये हुआ कि हमारे दो सीनियर्स वाकई सीनियर्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हिंट दे दी और जूनियर्स वाकई नाम डुबो दिया मुझे तस्लीम करने में कोई आर नहीं मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जूनियर्स वाकई जूनियर्स हैं लेकिन मजेदार रहा आपने भी बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की और बाकी दो लोगों ने तो हमारा इनाम की तरह आपके नाम ये रहे ना हरे और ब्राउन और वाइट चकोर चकोर इनाम इस उम्र में भी ये इनाम चले मैं बदल देती हूँ ये लीजिए दूसरा इनाम चले जजाक बहुत शुक्रिया जीतने वालों के लिए इनाम हारने वालों के लिए भी यही इनाम पसंद कीजिए जी बहुत शुक्रिया सही बात है शेफ साहिबा
बिस्किट्स पसंद करेंगी, चिप्स पसंद करेंगी? नहीं, बस शुक्रिया। आई एम फीलिंग लाइक अ वेटर ऑफ अवामी होटल, दाल मोट पसंद करेंगी। तो नाजीन, ये खाने पीने की डिशेस भी बन रही है, दाल की ऑफर की जा रही है। हाँ, क्योंकि वो मैं खाऊंगी ना, सारा घर ले जाऊंगी, जरा इसको पैक करा दे। तो नाजीन, आप बार बार देख रहे हैं किचन काउंटर पे भी खाना तैयार हो रहा है, मजेदार डिशेज है, और माशाल्लाह उसके साथ साथ कुछ बर्फ यहाँ मंगा कर रख दी गई है। वो बर्फ किस लिए है, इसका क्या बनाया जाएगा, जानेंगे शेफ समीना से। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? अच्छा, ये हम बना रहे हैं पीच लेमनेड। अच्छा। आप देखेंगे जैसे कि हमने कल बनाया था, हमने एप्पल यूज किया था, एप्पल यूज किया था। अब डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं आप उसे डिफरेंट फ्लेवर दे सकते हैं। बस इसमें एक चीज मैं ऐड कर रही हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर काले नमक का इस्तेमाल, पीचेज यानी आड़ू और काले नमक का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अब आप बाजार से फिजी ड्रिंक्स लेकर आते हैं या दूसरी ड्रिंक्स लेकर आते हैं तो काफी पैसे खर्च होते हैं। इन्हीं फ्रेश फ्रूट्स के साथ आप इस मौके पे इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बर्फ मैं इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा ठंडा रहे। इसके अलावा ये हमारे पास आड़ू है, एक बड़े साइज का या दो आड़ू आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर। यहाँ मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि इन चीज़ों में आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है ना, थोड़ी सी ब्राउन और थोड़ी सी वाइट शुगर। ठीक है, इसके बाद लेमन जूस। लेमन जूस जो है, जब हम ज़्यादा चीनी डालते हैं तो टेस्ट को इन्हेंस करने के काम आता है। अच्छा, ठीक है, तो ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन ऐसे 1 टेबल स्पून। सही है, अकॉर्डिंगली आप डाल लीजिएगा कि आपको कितना अच्छा लगता है। चंद पत्ते मैं डालूंगी इसमें पुदीने के। ठीक है, पुदीने के पत्ते आप साफ कर लीजिए, वो इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, जरा सा काला नमक यानी 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी काला नमक। ये देखिए इतना जबरदस्त। ठीक है ना, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये डाल के मैं थोड़ा इसमें पानी ऐड करूंगी। ओके, थोड़ा सा पानी ऐड कर पीच लेमनेड, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त बनेगा। रमजानों में मैंने ये सारी रेसिपीज बताई थी, अब फिर दोबारा से ये रेसिपीज बता रही हूँ और सबको बहुत अच्छी लगती हैं, और खास तौर से इन पे खर्चा जो है ना कम इंग्रेडिएंट्स कम है और मजेदार, बिल्कुल। अब जहरा फूड चार्ट की लाते कभी कभी ऐसा होता है कि पीचेस हैं या कोई भी चीज ऐसा सॉफ्ट हो जाती है, तो आप इनके ही बना सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। अब हम इसको घुमाएंगे, बिल्कुल कलर भी बड़ा मजेदार है ना, रिफ्रेशिंग सा कलर है। चलो हम इसको घुमाते हैं, मैं ब्रेक ले लूँ। तो नाजीन, ये जब तक घूम रहा है हम लेंगे एक ब्रेक, और आप वैसे भी देख सकते हैं कि बड़ा कलरफुल सा, मजेदार सा, ये देखने में ही रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये तैयार होकर इसको पोर किया जाएगा इनटू द ग्लासेस। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिए, देखते रहिए आवर क्यू टीवी पर इसरा खान के साथ ईद स्पेशल प्रोग्राम। سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شخص نے ثواب کی نیت سے اور خوشی کے ساتھ قربانی کی، وہ اس کے لیے آگ سے حجاب ہوگی۔ عید آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید آئی ہے، خوشیاں لائی ہے۔ वेलकम बैक नाजरीन, देख रहे हैं आप ईद का ये स्पेशल प्रोग्राम, जहां हमारे साथ मौजूद हमारे प्यारे प्यारे मेहमान से हो रही बहुत सारी बातें, और साथ साथ शेफ समीना बहुत मज़ेदार डिशेस रेसिपीज़ आपसे कर रही हैं शेयर। और दौरान ब्रेक शेफ समीना ने इसमें जो है वो जूस डाल दिया और साथ में उसकी गार्निशिंग का काम भी, पुदीना डाल दिया ताकि गार्निशिंग जो होती है अच्छी होती लगती है। और दूसरी बात है कि ठंडा यह होना बहुत ज़्यादा सही है। और मैं आपको बात बताऊँ, क्योंकि हम ये पानी में बना रहे हैं तो हमने इसको बना के फौरन सर्व करना है, वरना जब हम दूध में बनाते हैं तो इसका अच्छी सा एक मिक्सचर जो है वो बन जाता है। ये पानी मेहमान मौजूद हैं, और क्योंकि मेहमानों में हमारी इम्तियाज जावेद खाकी साहिबा मौजूद है, माशाल्लाह हम सब जानते हैं जहाँ प्यारी प्यारी बातें करती हैं, इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात आम करती हैं कि यही मोहब्बत दरअसल
सच्ची और हकीकी मोहब्बत है, वहीं साथ साथ शगफ रखती हैं, शौक रखती हैं सना खानी का भी। जहाँ घर में जब नात की महफिल सजाई जाए तो खुद नात पढ़ती हैं, तो हम इनको फौरन ईद के प्रोग्राम में, स्पेशली मैं तो बोल देती हूँ कि आपने नात पढ़नी है, ये भी आपके घर का प्रोग्राम है। जिस तरह आपका प्रोग्राम इसीलिए मुझे इतना स्वीट लगा, इतना अच्छा लगा, और जब वो ऑन एयर गई तो एक नात खान ने मुझे कहा कि आप भी नात खान हैं। अच्छा, ये मुझे अभी पता चला। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। तो एक शेर तो एटलीस्ट आज भी कोई एक। बहुत शुक्रिया, ये मैं आपका शुक्रिया। अरे अरे, ये तो हमारी खुशी की बात है। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, फिर और ना कुछ मांगे सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जितनी मोहब्बत से पढ़ती हैं हर मर्तबा, मुझे बेहद खुशी होती है आपको सुनकर यकीनन। और मुझे यकीनन इम्तियाज़ बाजी जानती है, जब हम लोग अक्सर कुछ नया करने का सोच रहे होते हैं अपने रूटीन प्रोग्राम में, जो हम हर संडे मॉर्निंग करते हैं, तो मैं इनसे अक्सर शेयर कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा करते हैं। तो उसमें मैंने एक मरतबा इसे शेयर किया कि अक्सर हमारे डॉक्टर्स आते हैं, अक्सर डिज़ाइनर्स होते हैं, और उनमें ये बहुत खूबसूरत टैलेंट, ये खूबी मौजूद होती है कि वो सना खां भी होते हैं। तो मैंने एक मरतबा इनसे ही डिस्कस किया, हम एक काम करते हैं और स्पेशल महफिल सजाते हैं जिसमें उन सना खानों को नहीं, आप लोग को बिठाते हैं, और फिर देखें लोग हैरान हो जाएंगे। तो ये एक मरतबा हमने वो छोटे छोटे ग्लिम्स ही सही लेकिन कर लेते हैं, माशाल्लाह। बहुत तो बहुत मैसेज आने वाले, इस मरतबा भी तैयार है। और बहुत खुशी होती है, एक बिल्कुल रूटीन से हट के काम हो ना, तो उसकी क्या बात। इसलिए जब आपने कहा तो मैं एकदम बहुत एक्साइटेड थी माशाल्लाह इस सेगमेंट के लिए। सुभान अल्लाह। अच्छा नाज़रीन, हमारे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स मौजूद हैं, इनसे बातें भी हो रही हैं, नाते भी सुन रहे हैं, खाना पीना भी हो रहा है। प्रोफेसर साहब की जानिब आऊंगी। माशाल्लाह, शोभा दरसो तदरीस से वाबस्तगी, खास सब्जेक्ट्स पढ़े, फिर खास सब्जेक्ट्स पढ़ाए, फिर उसके बाद रिसर्च, सब कुछ, हर चीज़। और प्रोग्राम्स की बात करें तो उसके लिए पढ़कर आना, तमाम मसरूफियात अपनी जगह। स्टिल आप क्या समझती हैं कि अगर आपको एक खाली कमरा दिया जाए और एक तरफ उसमें भरपूर खाने हो, आपके मन पसंद, आपके हर फेवरेट डिश मौजूद हो जो आप खाना पसंद करती हैं, और दूसरी जानब किताबें ही किताबें हो, तो आप उस सेक्शन में जाएंगी या इस सेक्शन में जाएंगी, या खाना लेकर किताबों की तरफ जाएंगी? अगर भूख नहीं लगी हुई है तो मैं फौरन किताबों की तरफ चली जाऊंगी, लेकिन अगर भूख लगी हुई है तो पहले मैं इंसाफ करूंगी खाने के साथ, क्योंकि हदीस मुबारक भी यही है कि खाना सामने आ जाए तो ईशा की नमाज जो है वो हम पहले खाना खा लेंगे फिर ईशा की नमाज। क्या बात है, क्या जबरदस्त बात की है इन्होंने, दलील मौजूद है वाकई में, ये कहने लगी थी। और वरना मैं होती ना, मुझ जैसे लोग तो खाने की प्लेट लेकर स्टडी सेक्शन में चले जाते, खाते रहेंगे पढ़ते। मेरे साथ अभी ऐसा हुआ, मैं अपने रिसर्च के ही सिलसिले में लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी गई, तो वहाँ लाइट गई हुई थी बिल्कुल, तो इत्तेफाक से मैं अपना मोबाइल ले गई थी, उसमें टॉर्च भी था, तो मैंने पहले पानी की बॉटल ली और एक दो बिस्किट लिया, और मैंने कहा आप मुझे उसी गैलरी में छोड़ दें जहाँ लाइट गई, मैं उसी में काम कर लूंगी। फिर मैंने टॉर्च जला कर अपनी तमाम किताबें जो मेरी मतलूबा थी उनको चेक करती रही। तो हम इससे गुजरते रहते हैं, इन चीजों से भी गुजरते। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा सहारबाजी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि गाय वाय ने टक्कर मारी हो, किसी बकरे ने चलते फिरते टक्कर मारी, या किसी भी जानवर से आपको लगे कि डर लगता है भाई, यहाँ वाकई कोई बचपन की याद हो जाती है?
यूसरा मुझे शुरू से ही जो है ना जानवरों से बहुत डर लगा अच्छा। और मैं कभी भी उन बच्चों में से नहीं रही कि जो मतलब बहुत करीब जाते हैं और घुमाते फिराते हैं। मुझे शुरू से और आज भी मेरा वही हाल है कि मैं उन दिनों में जब बकरीद करीब होती थी तो मैं कोचिंग की छुट्टी कर लेती थी ज्यादातर। वो ये होता था ना कि वो जो बच्चे घुमाते हैं और फिर वो जो रेस लगती है और भागना दौड़ना, मुझे उससे आज तक बहुत खौफ आता है। मुझे लगता है कि मेरे ही पीछे लग रहे हैं जानवर। हाँ, ये होता है ये। हाँ, आप ना भी सोचे फिर भी डर लग रहा है। अक्सर होता है कि जानवर बड़े आराम से बैठा होता है और जैसे ही हम गुजरते खड़े हो जाते हैं कि अभी खड़ा होने वाला, बाअदब हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, हमें बाअदब कर देता है, वहां से खामोशी से गुजरना पड़ता है। सही। अच्छा इम्तियाज भाई, अक्सर लोग कहते हैं कि ना जानवर जो कुर्बानी के लिए लाए जाते हैं वो लाल रंग से या तो डरते हैं या उसके पीछे लग जाते हैं, क्या ऐसा होता है? कहते हैं तो वैसा होता होगा, कभी तजुर्बा नहीं हुआ, कभी किसी से सुना भी नहीं कि हमने लाल जोड़ा पहना। जो बुल फाइटिंग करते हैं तो उसमें रेड कपड़ा दिखाते हैं तो वो लपकता है उसकी तरफ। इसीलिए आपने जो है आपको इसीलिए इसने रेड ड्रेस जो है वो मीठी ईद पे पहन लिया। मीठी ईद में जिसमें आप भी लाल जोड़े में थी, नौरीन बाजी भी लाल जोड़े में थी, तीन तीन लोग लाल जोड़े में बैठे थे। नाजीन, ईद का तीसरा दिन है, हम यहाँ मना रहे हैं और इसके बाद यकीनन इस तरह की प्यारी महफिल के लिए हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ईद काफ़ी टाइम बाद आती है। तो आप भी अपने रिश्तेदारों को कॉल कीजिए, साथ बुलाइए, उनके घर जाइए और इन तमाम दिनों को जितना टाइम बाकी है उसको प्यारे अंदाज में अपने लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि यही प्यारे ये रिश्तेदार अल्लाह ताला की जानिब से इनाम है आपके लिए। तो ना शुक्रपना नहीं होना चाहिए, उनकी भी कदर कीजिए ताकि वो भी आपकी कदर करें। अच्छा इम्तियाज बाजी, प्रोफेसर नूर साहब, शफी साहिबा और साथ साथ सहार बाजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बहुत सारी बातें तो हो रही हैं। एक और एक्टिविटी करेंगे, बहुत छोटी सी मासूम सी एक्टिविटी करेंगे, कुछ खतरनाक नहीं, कुछ खिलाओगी या नहीं वो इसीलिए भूख बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज है और उसके बाद बोलूंगी टूट पड़ो जवानों। तो नाजीन वो एक्टिविटी होगी लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे, उम्मीद यही है। और यकीनन हम जानना चाहते हैं आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, तो www.aryqtv.tv इज द वे। आप हमें ईमेल कीजिए, अपनी हमें फीडबैक पहुंचाइए, हम बस अभी आए। तकबीर तशरीक 9 ज़िलहज की फजर से 13 ज़िलहज की नमाज असर तक हर वो फ़र्ज़ नमाज जो जमात के साथ अदा की गई हो, उसके बाद एक बार तकबीर तशरीक बा आवाज़ बुलंद कहना वाजिब है और 3 बार कहना अफजल है। तकबीर तशरीक ये है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। कुर्बानी का तरीका, कुर्बानी करने से कबल कुर्बानी के जानवर को चारा पानी दें, भूखा प्यासा ज़िबा ना करें, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना करें, जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि उसका मुंह किबला रुख हो, अपना सीधा पांव जानवर के पहलू पर रखकर तेज छुरी से जल्द ज़िबा कर दिया जाए। ज़िबा से कबल ये दुआ पढ़ें, इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तर अस्समावाति वल-अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله الله أكبر फिर ज़िबाह करें, ईद आई है खुशियाँ लाई है, ईद आई है खुशियाँ लाई है, ईद आई है खुशियाँ लाई है।
वेलकम बैक नाजरीन, देख रहे हैं आप ईद का ये स्पेशल प्रोग्राम यसरा खान के साथ, जहां हो रही है मज़ेदार बातें आपके अपने जाने पहचाने मेहमानों के साथ। नाजरीन, इस वक्त हमारा जो खाना है वो सब कुछ तैयार है, वो टेबल पर सर्व कर दिया गया है। साथ साथ शेफ समीना भी यहाँ ही मौजूद हैं, मेरे तमाम मेहमान यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये हमारा आखिरी सेगमेंट है जिसमें हम कुछ अच्छे अच्छे पैगाम भी अपने नाजरीन तक पहुँचाना चाहते हैं, और उसके बाद तो वो होता है ना, बजाई जाए कोई बैलों का आ जाए, टूट पड़ो जवानों, तो ये वो वाला सेगमेंट शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले करवाई है, उसके बाद तो टूट पड़ना ही कहीं दिल जा रहा है। हाँ, मुझे यही लग रहा है, मेरे लिए भी कुछ नहीं बचेगा शायद। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कुछ अच्छे प्यारे पैगाम अपने तीनों मेहमानों की जानब से ज़रूर लूँ, ताकि हमारे नाज़रीन तक एक अच्छा एक कंपाइल जाम पैगाम ज़रूर पहुँच जाए। तो इम्तियाज़ भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। देखिए यूसरा, मेरा एक ही पैगाम रहता है जब भी आप कहते, बिल्कुल आक सलाम से प्यार, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसा टूट के जाना कि जो हमारी फिक्र को, हमारे अमल को और हमारे हाल को बदल के रख दे। बिल्कुल, बहुत हकीकत बात है। आप क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम फरमाया, कद अफलाहा मन तज़क्का, तहकीक उसने कामयाबी हासिल कर ली जिसने अपना तज़किया कर ली। वाह वाह वाह। और ये ईद कुर्बान हमें तज़किया कल्ब का एक जरिया फराहम करती है, और हमें ये सोच, ये रूह देती है, कुर्बानी की रूह भी यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब अल्लाह के लिए, उसका बेहतरीन मसरफ अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। सहर बाजी, क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी? दूसरा यही कहना चाहूँगी कि ईद के मौके पे उन लोगों को भी ज़रूर याद रखें कि जो सारा साल गोश्त उस तरह नहीं खा पाते जैसे हमारे घर में बनता है, बिल्कुल उन्हें ज़रूर याद रखें और उनका हिस्सा उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। सही बात है कि बकरे की राने फ्रीज़र से निकाले वरना बकरा जन्नत में नहीं जाएगा। जैसे कि बातें नाजी यहाँ सुनते रहे मज़ेदार, और आज ईद का तीसरा दिन है, ये स्पेशल प्रोग्राम यही वाइंड अप होगा, कल कोई ईद का प्रोग्राम नहीं सजाया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारा हर दिन हर रात इतनी ही खूबसूरत, इतनी ही प्यार हो कि हमें लगे हमारा हर दिन ईद है, और हम अपने हर दिन को ईद इसी तरह बना सकते हैं कि अपने प्यारों से जो गिले शिकवे हमारे दिलों में मौजूद है, इन कदूरतों को, इन नफरतों को और इन तमाम तर बुराइयों को दिल से निकाल दें, और फिर बेशक अल्लाह ताला जिन नेमतों से हमें नवाजता है उनकी जानिब हम निगाह करेंगे, नज़र डालेंगे, तो महसूस होगा और एहसास होगा कि हम किस कदर नवाजे गए हैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किसी चीज़ से, किसी शय से महरूम नहीं रखा, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। और साथ साथ बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपकी अपनी बहुत पसंदीदा शेफ समीना का, कि वैसे तो यार वाई लिंक चैनल पर कई सालों से माशाल्लाह कुकिंग कर रही है, लेकिन उन्होंने क्यू टीवी के लिए भी टाइम निकाला, हमारे साथ ईद के तीनों दिन मौजूद रही। तो शेफ समीना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और मैं चाहूंगी आप भी कोई पैगाम, जो बात, जैसी ईद में जो आप कहना चाहें, अप टू यू। मैं तो कहती हूँ कि भाई आप सब लोग खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, और हमेशा कोशिश ये करें कि आपसे सब लोग खुश रहें। बहुत 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 खूबसूरत बात, कोशिश करें कि आपसे कोई नाराज़ ना हो। अगर आपको लगता है आपका कोई प्यारा आपसे खफा है, नाराज़ है, तो मना लीजिए, ये प्यारा मौका है। और मनाने का तरीका शेफ समीना ने बड़े प्यारे तरीके से बताया, अलग अलग रेसिपीज़ बनाएं, दावत पर बुलाएं या ये उनके घर पहुँचाएँ, तो इंशाल्लाह वो भी खुश होंगे और आप तो होंगे ही खुश। तो हम करेंगे नाज़रीन अपने ईद के प्रोग्राम का यही वाइंड अप, और खाने पीने का सिलसिला होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे अपने इन तीनों मेहमानों से एक मरतबा फिर कि यहाँ तो खाना हो जाएगा, मेरी दावत कब हो रही है जनाब? हमने तो दावत खिला दी, देखे शेफ समीना ने ही बनाया, ये हकीकत है, लेकिन हमने ही खिलाया, समझ ले। तो इम्तियाज़ भाई, हमारी दावत की डेट, टाइम, वक्त जी इंशाल्लाह हो जाएगी, पक्की बात कर दी जाएगी। देखिए, ये ऑन एयर अहद में हर साल लेती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई दावत नहीं मिली है नाज़रीन, ये बात नोट की जाए। बस जिस दिन भी प्रोग्राम के बाद आप ड्रॉप करने के लिए जाएंगी, मुझे मैं आपको घर में इनवाइट करना चाहिए। ये उल्टा मुझे ब्लैकमेल हो गया, मुझे प्रोग्राम के लिए बुला लो फिर मिलनी है। हर मर्तबा से रिक्वेस्ट करती हूं। नहीं यसरा, बिल्कुल आप जब आए मोस्ट। अच्छा, ये तो खैर मजाक की बात है, सिर्फ मेरा सवाल है इसके बाद क्या मसरूफियात है आपकी? इसके बाद यकीनन वही मसरूफियात है, किचन, आधा दिन फरमाइशें, मेहमान, सारा कुछ वही है। जाहिर है कि ये इसमें मजा भी है। बेशक, नूर सबा साहिबा को जाकर कुकिंग करने वाली हैं? जाकर मैं एक तकरीब अटेंड करने वाली हूं। वाह वाह, अच्छा, यानी आप पकाने वाली नहीं, खाने वाली होने वाली। इम्तियाज जी क्या करने लगी? मुझे तो पकाना है यूसरा, पकाने के लिए तो मैं परेशान। इतनी गमजदा इम्तियाज बाजी, जब कुकिंग की बात करती थी गमजदा इम्तियाज बाजी, अब तो आपको बेहतरीन शोस क्यू टीवी देने लगा है, एक्सक्लूसिव है आपके लिए। यूसरा ने बहुत कोशिश की है मुझे सिखाने की।
नाजीन ये प्यारी बातें, ये मुस्कुराहट यही जारी रहेंगी हम सबको भी, यहाँ मौजूद तमाम लोगों को भी, देखने वाले तमाम मेरे प्यारे प्यारे नाजीन, तमाम आलम के मुसलमानों को ईद उल अजहा की ढेरों मुबारकबाद। अपनी मेज़बान युसरा खान को, शेख समीना को, इम्तियाज़ जावेद खाकमी साहबा को, नूर सबा शफी साहबा को, सहर आजम साहबा को और दीगर जितने मेहमान मेरे इस प्रोग्राम में शामिल होते रहे उन सभी को अपनी दुआ में याद रखिए। और खसूसी तौर पर जितने लोगों को आप ऑनर यहाँ देखते हैं, ऑफ स्क्रीन इससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उन सबको भी अच्छी सेहत ज़िंदगी अता फरमाए, बेशुमार खुशियों भरी और बरकत भरी ईदों से नवाजे और अल्लाह ताला हम सबको नेकी की राह पर गामजे रहने की तौफीक अता फरमाए। दीजिए इजाज़त अपनी मेज़बानी इशरा खान को, आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह हाफिज़। खुशियाँ लाई है ईद आई है, खुशियाँ लाई है ईद आई है, ईद आई है खुशियाँ लाई है, ईद आई है खुशियाँ लाई है, ईद आई है खुशियाँ लाई है, ईद खुशियाँ समेट लाई है, रहमत हक भी मुस्कुराई है, ईद